Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Hold on. Okay, so I'm audible, and we still do not have all the participants. Attendance seems to be very poor. But nevertheless, we'll have to start. We cannot delay it any further. I hope they will join in the due course. So today's session would be about train lighting system in LHB coaches. LHB coaches mein now train lighting system hai, us bare mein aaj ka session rahega. We'll talk about end-on generation and briefly about head-on generation also in this particular session. Okay. Another request before I start the session is that all participants must keep their microphone in. They should keep themselves muted and should unmute only if they have any doubts or questions, okay, or if they are asked to, okay, so that to prevent any disturbances. So right, so the I'll start with the question: what are the various train lighting systems which are being utilized in Indian Railways? Indian Railways mein, what are the various train lighting systems which we are currently utilizing? Kis type ke generation ke train lighting system hum use kar rahe hain? Anyone? We must have heard about them, you know them. ICF coach mein kis tarike ka generation hota hai, matlab jo train lighting system hai usko kya kehte hain? Yes, self generation. Aur kya hota hai? Aur uske liye self generation ke alawa kya hota hai? EOG system. Sorry? EOG system. EOG stands for end-on generation. End-on generation. उसके अलावा? HOG, head-on generation. Head-on generation. ठीक है? तो ये हमें पता है कि इस type के systems होते हैं. सबसे पहले तो ये clarity हमें हो और ये है भी. ठीक है? अच्छा जो self generation की हमने बात की. सेल्फ जनरेशन, एंड ऑन जनरेशन, हेड ऑन, बिल्कुल सही हमने गेस किया कि ये तीन है हमारे सिस्टम ट्रेन लाइटिंग के लिए, पावर सप्लाई सिस्टम इन कोचेस के लिए ये तीन टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं. इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी वुड बी नॉट बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ जनरेशन. सेल्फ जनरेशन के बारे में ICF कोचेस के जब जब सेशन हुआ होगा उसमें बात हो गई होगी. व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज एंड ऑन जनरेशन एंड ब्रीफली अबाउट यू नो हेड ऑन जनरेशन ऑल्सो. ओके, सो बट माई क्वेश्चन इज ये जो सेल्फ जनरेशन है, सेल्फ जनरेटर, इसमें क्या क्या डी मेरिट्स है? व्हाट आर द डी मेरिट्स ऑफ अ सेल्फ जनरेशन सिस्टम? एन रूट सर पुली का वीवेल टूट जाता था. बल्कि लोड सर, लोड रिस्ट्रक्टेड. या हाँ, तो वी बेल्ट आप बता रहे हैं कि वी बेल्ट टूटने की टूटने के केसेस रहते हैं. ओके, दैट इज वन इशू. इसके अलावा व्हाट एल्स? सो व्हेन द ट्रेन इज नॉट मूविंग और व्हेन देयर इज वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रेन, इन दैट केस पावर इज नॉट जनरेटेड. ओके, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस देन? जब व्हेन द ट्रेन इज नॉट मूविंग और इफ द कट ऑफ स्पीड से अगर बिलो रहता है, मे बी 30 km/h से बिलो रहता है, तो पावर वैसे मिलता कहाँ पे? कहाँ से? बैटरीज आर प्रोवाइडेड. बैटरीज आर प्रोवाइडेड. सो व्हाट वी सी हियर दैट वी हैव टू रिलाय वेरी हेवीली ऑन बैटरीज. ऑब्वियसली वी नीड बैटरीज, बट वी आर रिलाइंग टू मच ऑन बैटरीज इन सेल्फ जनरेटिंग कोचेस, एंड बहुत हैवी बैटरीज हमें कैरी करके चलना पड़ता है. ओके,
So that is another demerit. Anything else? Sir, load restricted. Yes, load is restricted. Very good point. Load is restricted. मतलब कहाँ तक, मतलब अगर आप देखें योर अल्टरनेटर रेटिंग, हमारी जो अल्टरनेटर की कितनी रेटिंग है, एसी कोच में जो अल्टरनेटर लगता है कितने रेटिंग का अल्टरनेटर लगता है? 25 किलोवाट. 25 किलोवाट. और एक कोच में कितने अल्टरनेटर लगते हैं? दो लगते हैं सर. तो टोटल कितना हुआ? 50 किलोवाट. 50 किलोवाट हुआ. ये तो अल्टरनेटर का रेटिंग है, बट एक्चुअली जब प्रोड्यूस होगा एफिशिएंसी लॉसेस वर्सेस ओके, आपको उसमें से कितना मिलेगा? उसमें से कुछ ही प्रतिशत आपको मिलेगा, ठीक है? एंड इट हैज बीन सीन दैट इफेक्टिवली देयर इज 45% लॉस, ठीक है? 56% एफिशिएंसी होती है सेल्फ जनरेटिंग कोच की. तो इट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम एक्चुअली, एंड योर पावर इज सीवियरली लिमिटेड. ओके, सो दैट इज वन बिग प्रॉब्लम. That is one big problem. Okay, so any problems ko jaise there are like you know the load is restricted. You correctly pointed out load is restricted. We have to carry bulky 1100 ampere hours ke batteries. We have to carry. That is one demerit. No standby alternator or battery is there. Extensive maintenance due to underslung alternator, battery, axle pulley. Someone said told about the belt also. The V belt is breaking regularly. It is maintenance intensive. And the poor overall efficiency. Self-generation system has a very poor overall efficiency of 54%. So this is not acceptable. In the long run, we couldn't have, it's not a sustainable system, and we just can't go with this kind of a system. So eventually we had to switch, and when we switched, so we went for end-on generation. Humne end-on generation ko apnaya. Why did we go for end-on generation? इसका सबसे पहला एंड ऑन जनरेशन यूज तो काफी पहले से हो रहा है. इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. इट हैज बीन अराउंड फॉर 20 इयर्स और इवन मोर आई कैन से. एक्चुअली जब राजधानी और शताब्दी ट्रेनें चलनी काफी स्टार्ट हुई, एंड द रिक्वायरमेंट वाज दैट ऑल दीज राजधानी शताब्दी वुड बी फुल एयर कंडीशन रेक, है ना? तो एज यू मस्ट बी अवेयर दैट इट इज अ फुल एसी रेक राजधानी और शताब्दी. So, जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा. इट विल बी वेरी वेरी हाई. ओके, सो वी हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन. एंड अनदर थिंग इज दैट इन राजधानी शताब्दी आपने देखा होगा वी हैव द हॉट बुफे लाइक इन एवरी कोच बैक एंड पे. अभी तो इसको हटाया जा रहा है, बट नॉन पावर पैनल साइड पे वी यूज टू हैव हॉट बुफे, जिसमें जो कोच अटेंडेंट नहीं, जो फूड सर्विस करने वाला है वो खाना को गर्म करके आपको सर्व करता था. ओके, सो यू ऑलवेज यूज टू गेट हॉट फूड, बट उसके लिए जो पावर चाहिए वो पावर कहाँ से आएगा? वो तो 25 kVA के अल्टरनेटर से मिलेगा नहीं. यू विल नॉट गेट फ्रॉम दैट 25 kVA अल्टरनेटर. तो पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज्ड अ लॉट इन दीज राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन्स, एंड सर्विस वॉज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. ये सर्विस टाइप की ट्रेन होती थी जिसपे लोग ऑब्वियसली स्पीड भी होता था, कम्फर्ट भी होता था, सर्विस भी होता था. दैट इज वेयर पीपल यूज टू प्रेफर. इसको प्रीमियम, एक टाइम पे प्रीमियम रेट्स ट्रेन्स मानते थे हम इनको. तो बट देयर पावर रिक्वायरमेंट वाज वेरी हाई, एंड दैट इज व्हाई वी हैड टू अडॉप्ट एंड ऑन जनरेशन इनके लिए, ठीक है? हमें एंड ऑन जनरेशन इनके लिए अडॉप्ट करना पड़ा. तो एंड ऑन जनरेशन में क्या होता है? एंड ऑन जनरेशन में यू हैव अ जनरेटर कार, दोनों एंड में एक तरीके से जो पावर कार कहते हैं ना, यू मस्ट हैव हर्ड देयर इज अ पावर कार, एंड देयर आर टू पावर कार्स एट बोथ द एंड्स. And in each power car, we have two diesel alternators. Okay? What do we have? We have two diesel alternators. And these diesel alternators, they produce the power required for lighting of the train. Okay? The coach ka jo, coaches ka jo hotel load hai, usko support karne ke liye, usko power supply karne ke liye, ye alternators jo hai, ye power produce karte hai. तो ये व्हाट इज द इनपुट टू दिस अल्टरनेटर्स? इन अल्टरनेटर्स को क्या चाहिए? अल्टरनेटर्स को पावर प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? इनको चाहिए डीजल. ओके, दे आर डीजल अल्टरनेटर्स ना. इट इज लाइक जो आप कहते हैं कॉमन पार्लर्स में जनरेटर. तो जनरेटर को क्या चाहिए होता है? यू हैव टू गिव सम फॉर्म ऑफ फ्यूल. ओके, सो इसको जो फ्यूल चाहिए अल्टरनेटर वो है HSD. इसको डीजल चाहिए. आप इसको डीजल देंगे
ये डीजल फिर वो इसमें इसके अंदर डीजल इंजन है जिसको ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड थ्रू दीज टू फीडर नेटवर्क्स, ये दो फीडर नेटवर्क्स के थ्रू हमें सप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो वन थिंग यू कैन सी दैट एवरी पावर कार हैज टू डीजल अल्टरनेटर, ओके। सो एक्चुअल रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो हमारा काम एक अल्टरनेटर अगर हम यहाँ रखते, एक अल्टरनेटर यहाँ रखते तो वी वुड हैव मैनेज्ड, हमारा काम बन जाता, ओके। वी वुड हैव इजिली मैनेज्ड टू हॉल दी मे बी इवन 22 कोचेस, 23 कोचेस का भी अगर पूरा रेक है एनएचबी का, सो वी कैन मैनेज विथ टू अल्टरनेटर्स ओवरऑल, बट वी वेंट फॉर फोर अल्टरनेटर्स, ऐसा क्यों? रिलायबिलिटी सॉरी, रिलायबिलिटी सर, हाँ रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी और इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई पॉइंटेड आउट। सो रिडंडेंसी जो हम कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से इफ एक वन ऑफ द ऑल्टरनेटर फेल्स ऐसा, बिकॉज हमारा जो कंप्लीट कोच लाइटिंग इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस ऑल्टरनेटर्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेटर्स पे हम लोग अब पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो अगर हमारे हमारे कोई भी ऑल्टरनेटर में फॉल्ट आ जाता है तो हमारे लाइटिंग अफेक्ट हो सकती है, पावर सप्लाई डिसरप्ट हो सकता है, इसीलिए हमने बैकअप दे रखा है, ओके। सो दैट दैट इज वाई, सो इट गिव्स अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, ओके। तो लेआउट जो है, अब थोड़ा सा और टेक्निकली में घुसते हैं, ये जो ऑल्टरनेटर है इसकी डीजल ऑल्टरनेटर ये 500 किलोवाट के होते हैं, और 500 किलोवाट, तो 500 किलोवाट रेटिंग के या 500 केवीए रेटिंग के दो डीजल ऑल्टरनेटर हैं, और इनका आउटपुट जो होता है देयर आउटपुट इज 750 वोल्ट थ्री फेस एसी, ठीक है। ये जो आउटपुट यहाँ पे आया, ठीक है, ये फीडर लाइन में जा रहा है, 750 वोल्ट थ्री फेस, 750 वोल्ट थ्री फेज एसी ये प्रोड्यूस होता है, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर। सिंगल फेज थ्री फेज में क्या डिफरेंस है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये थ्री फेज है तो थ्री फेज मतलब थ्री वायर्स तो होंगे ही, बट यहां मैंने फोर वायर्स लिख रखा है, वाई, व्हाट इज द फोर्थ वायर? सर न्यूट्रल सप्लाई के लिए। यस, द फोर्थ वायर इज फॉर द न्यूट्रल सप्लाई, एंड इन फैक्ट देयर इज ऑल्सो अ फिफ्थ वायर ऑल्सो जो अर्थ के लिए रहता है, अर्थ वायर भी हम रखते हैं, ठीक है। तो फाइव वायर भी आपको कहीं पे दिखता है, बट इन जनरल हम थ्री फेस फोर वायर उसको बोलते हैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज फेस टू फेस आप पावर अगर टैप करना है, आप फेस टू फेस टैप करके तो पावर आप फेज इम्बैलेंस चेक कर सकते हैं, बट सिंगल फेज में अगर आपको पावर लेना है तो फेस टू न्यूट्रल लेके आपको पावर लेना पड़ता है, ओके। यू टेक फेस टू न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रल की बहुत जरूरत होती है यहाँ पे, ओके। एंड न्यूट्रल इज, अगर हम इसका अगर फॉर्मेशन अगर देखें, स्टार टू डेल्टा अगर फॉर्मेशन देखें, तो न्यूट्रल पॉइंट वहाँ है जहाँ से ये फेज जहाँ पे मर्ज होते हैं, ओके। ये दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, और यहाँ से तीनों फेज फिर फेज डिस्ट्रीब्यूट होती है आर वाई बी। सो एनीवेज, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट 750 वोल्ट थ्री फेज एसी इज बीइंग इज समथिंग व्हिच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल दी कोचेस, हम सारे कोचेस को हम सप्लाई, फीडर जो मैंने फीडर वन फीडर टू दिखाया था प्रीवियसली, दे आर टू फीडर नेटवर्क्स, फीडर वन फीडर टू। अब ये फीडर जो है ये क्या है, ये फीडर कैसे ट्रांसमिट होता है हम आगे बताएंगे, ओके। अब यहाँ कोच में आने के बाद, कोच में जब ये 750 वोल्ट थ्री फेज पावर आता है, इसको इसको स्टेप डाउन कर दिया जाता है, इट इज स्टेप्ड डाउन, ओके। इट इज स्टेप्ड डाउन यूजिंग अ 60, मैं एसी कोच की बात कर रहा हूँ अभी, एयर कंडीशन कोच में इट इज स्टेप डाउन यूजिंग अ 60 केवीए ट्रांसफॉर्मर, इट इज स्टेप डाउन टू 415 वोल्ट थ्री फेज, ठीक है। 415, तो 750 हमारा इनिशियल सप्लाई था विच इज कमिंग फ्रॉम द डीजी सेट, डीए डीए सेट और द पावर कार, और कोच में हमने उसको स्टेप डाउन कर दिया टू 415, ठीक है। और ये 415 को भी फिर और भी स्टेप डाउन और भी यूटिलाइज किया जाता है, वो आगे बात करेंगे, बट 415 एज इट इज, 415 वोल्ट थ्री फेज भी हम कुछ इक्विपमेंट्स के लिए यूज करते हैं। विच आर दोज इक्विपमेंट्स विच यूज 415 वोल्ट थ्री फेज एसी? आरएमपीयू प्लांट सर, आरएमपीयू, ओके। इट वाज डिस्कस यस्टरडे, वी हैड डिस्कस यस्टरडे, बट आरएमपीयू रिक्वायर्स थ्री फेज, आपको 415 वोल्ट, ठीक है। तो ये है, सो वाई यूजी, ओके, दिस हैज बीन डिस्कस्ड,
This is the power car. Power car mein, there are two alternators and jo 490 bhp 1500 rpm. These are all technical figures. It is water cooled turbocharged engine. And इसमें जो है ये पैंट्री और एसी लोड सबको सफाइस करता है. इट टेक्स केयर ऑफ द एयर कंडीशनिंग लोड, पैंट्री लोड और द नॉन एसी कुछ भी है तो उसका भी लोड, हर किसी का ये लोड ले सकता है. ओके okay. इसमें दो फ्यूल टैंक्स होते हैं. एज आई सेड दैट इन द पावर कार डीजल अल्टरनेटर नीड्स फ्यूल ना, इट नीड्स डीजल. सो इट हैज टू फ्यूल टैंक्स ऑफ 1540 लीटर कैपेसिटी. Okay, and it was a equalizing pipe between them. This may level inka balance rahe, maintain rahe. Engine room ventilation ka bhi isme provision diya gaya hai. Uske liye do centrifugal blowers diye gaye hain. Sir, sir, ye two fuel tanks 1540 liter each likha hua hai. To yani ki ek power car mein 1540 liter oil hoga sir, hai na? हाँ. तो सर ये दोनों अगर मान लीजिए स्टैंड बाय में जो दो हैं वो दोनों के लिए 1540 लीटर होगा ना सर ये? हाँ, बट एक्चुअली आप नॉर्मली अगर देखें तो एक ही यूज होता है उसमें से. जी जी जी, मतलब फॉर ईच पावर कार की बात करें, एक पावर कार की बात करें तो एक ही यूज होता है. दूसरे पावर कार में जनरली दूसरा यूज होता है और हमें बाकी दो तो जनरली यूज होते नहीं. ओके सर. ठीक है, तो उसका बेसिक पर्पस ये है कि जैसे मैंने यहाँ दिखाया था कि दो फीडर नेटवर्क है. तो होता ये कि फॉर एग्जांपल ये अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं तो इस अल्टरनेटर से ये फीडर वन को आधे कोचेस के लिए हम सप्लाई दें और इस वाले अल्टरनेटर से बाकी कोचेस के लिए फीडर टू के लिए सप्लाई दें. दिस काइंड ऑफ कम्यूटेशन वी कैन डू. इसको इसमें भी मतलब उल्टे अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम प्रोविजन दे सकते हैं. ओके okay. देखिए नेटवर्क तो पूरा कंटिन्यूअस रहता है यहाँ तक. अगर फीडर वन में सप्लाई है तो जाएगा पूरा, लेकिन थिंग इज कि टैप कोच में प्रोविजन रहता है कि आप फीडर वन से पावर लेंगे या फीडर टू से पावर लेंगे. ठीक है, विच फीडर यू आर टेकिंग द पावर फ्रॉम. अगर सारे कोच में हमने फीडर वन से पावर ले लिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? वट कैन बी द पोटेंशियल इशू? ओवरलोड हो सकता है ना. एक पर्टिकुलर आपने एक पर्टिकुलर डीए सेट पे हमने ओवरलोड बहुत ज्यादा लोड डाल दिया तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. हम लोग उसको यूनिफॉर्मली आधा आधा जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आधे आधा लोड, आधे कुछ का लोड एक ऑल्टरनेटर से रहे, बाकी आधा दूसरे ऑल्टरनेटर से रहे. तो इसलिए फीडर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दैट ऑप्शन इज देयर एट द कोच लेवल. ओके, एंड अच्छा, पावर कार में एसी भी होता है, आरएमपीयू 60 टन का एयर कंडीशन मतलब एयर कंडीशन सिस्टम प्लांट भी होता है, 360 केवीए का ट्रांसफार्मर होते हैं, रेडिएटर फैन होता है, वेंटिलेशन फैन मोटर. सो दीज आर ऑल फैक्ट्स विच यू कैन गो थ्रू लेटर. ओके, एंड इस तरीके से वी हैव अ डीजल ऑल्टरनेटर ऑन. दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द पावर कार स्कीमेटिक, द कंप्लीट पावर स्कीमेटिक ऑफ अ पावर कार. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी हैव दीज टू अल्टरनेटर्स हियर. ठीक है, ये दो हैं हमारे अल्टरनेटर है, जैसा कि मैंने बताया, और यही दो अल्टरनेटर से पावर इवेंचुअली इस ये जो आईवी कपलर आईवी रैचेट दिख रहा है ना, दिस इज द फीडर लाइन. ये इस फीडर लाइन में गया, ये इधर से इस फीडर लाइन में गया, तो इवेंचुअली इसमें जाना होता है, इस फीडर लाइन में इसने पावर डाल दिया. सो दिस इज हाउ द पावर गोज अक्रॉस द फीडर लाइन. ओके, बट इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें देखिए, इसमें अपना एक 60 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो पावर कार के अंदर खुद भी, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके अंदर भी एसी प्लांट है जिसको चलाना है, उसके अंदर भी एक रेगुलेटेड बैटरी चार्जर है जिसको चलाना है, एग्जॉस्ट फैंस है, वाटर पंप्स हैं, तो उनको चलाने के लिए 60 केवीए का ट्रांसफार्मर दिया है जो इसका 750 वोल्ट आउटपुट है उसको ये कन्वर्ट करेगा 415 वोल्ट में, एंड इट विल यू नो सप्लाई टू दीज इंटरनल इक्विपमेंट्स ऑफ द पावर कार इटसेल्फ. ठीक है, उसके अंदर फिर फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कोच वी विल डिस्कस सेपरेटली. ओके, एंड इसके अलावा देर इज अनदर T1 एंड T2 ट्रांसफार्मर. तीन ट्रांसफार्मर होते हैं, T1, T2, T3. तो T1, T2 ट्रांसफार्मर बेसिकली होते हैं 60 केवीए के जो रेडिएटर मोटर रूफ एक्सट्रैक्टर के लिए होता है, वेंटिलेशन के लिए, और रेडिएटर मोटर उसको डीजल
आपने अगर डीजल लोकोमोटिव में काम किया होगा तो रेडिएटर आपको पता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जिसको हम यूज करते हैं कूलिंग पर्पज के लिए. तो ये भी डीजल इंजन ही है, कूलिंग की जरूरत है. तो उस रेडिएटर मोटर को चलाने के लिए हमें पावर चाहिए. फॉर दैट दीज ट्रांसफॉर्मर्स आर देयर जो 415 वोल्ट सप्लाई रेडिएटर मोटर को और रूफ एक्सट्रैक्टर को करते हैं यू नो फॉर द कूलिंग एंड वेंटिलेशन पर्पज ऑफ द पावर कार. ओके एंड जो T3 है दिस इज फॉर इंटीरियर लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग एंड फॉर ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द पावर कार. ओके पावर कार में देयर इज अ पोजीशन स्विच विच वी कैन ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन स्विच. हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट उसको, अगर प्लांट बोले ए और बी उसको नाम दे. तो अगर किसी एक प्लांट को लेना है, प्लांट ए को करना है तो 3 o'clock पोजिशन में डालना होगा. 3 o'clock पोजिशन मतलब इस तरीके से अगर है तो दिस इज 12 o'clock पोजिशन. ये 12 o'clock पोजिशन हो गया, ये 3 o'clock पोजिशन हो गया, 6 पोजिशन हो गया, 9 पोजिशन हो गया, 9 o'clock पोजिशन हो गया. तो जिस पोजिशन में आप रखेंगे उस हिसाब से प्लांट सिलेक्ट होगा. तो जनरली अगर इसमें से किसी एक को करना है, प्लांट ए आपको ऑन रखना है, तो नॉब को आपको 3 o'clock पोजिशन में इस तरीके से मोड़ के रखना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. हमारा डीजल इंजन ए, डीजल अल्टरनेटर ए बी है, अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर से पावर जनरेट हुआ. वी गॉट द इलेक्ट्रिसिटी, वी गॉट द पावर, थ्री फेज पावर. दिस थ्री फेज पावर इज सेंट अक्रॉस द फीडर नेटवर्क टू द कोचेस. बट इसमें इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग बस कपलर भी होता है लाइक दिस. ये तीनों फेज आपस में कनेक्टेड भी हैं. यहाँ पे देयर इज अ बस कपलर कनेक्शन ऑल्सो, दैट प्रोविजन ऑल्सो हैज बीन गिवन. ओके कभी आपको ऐसा हो सकता है कि ये वाला अल्टरनेटर अगर हमारा खराब हो गया लेकिन हमें इस फीडर लाइन में पावर देना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए हमने ये बस कपलर दिया है सो दैट पावर ऐसे होके फिर ऐसे होके फिर यहाँ पे हम सप्लाई कर सकें, इस पर्टिकुलर फीडर नेटवर्क में दे सकें. सो ये बस कपलर फ्लेक्सिबिलिटी हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. अब आते हैं. अब देखिए आपका पावर जनरेट हो गया पावर कार में, अब उस पावर को ट्रांसमिट कैसे करेंगे अब उसको समझते हैं. हाउ द पावर विल बी ट्रांसमिटेड टू द कोचेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड फॉर दैट वी हैव द आईवी कपलर, ZS कपलिंग, आईवी कपलर, इंट्रावेहिकुलर कपलर, जो भी इसको बोल लें. इसको दिस इज एन अंडर फ्रेम माउंटेड इंटरवेहिकुलर कपलर यूनिट एंड दिस इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 3 phase 5 wire 750 volt 50 hertz पावर सप्लाई फ्रॉम पावर कार टू रिक इन दी EOG सिस्टम. ओके एंड इसमें एक कोच में टू नंबर्स ऑफ जंपर प्लग असेंबली होता है, टू नंबर्स ऑफ कपलिंग सॉकेट असेंबली होता है. तो इसको आप समझिए एज अ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट टाइप समझिए, जो कॉमन पार्लेंस में फील्ड लेवल पे यूज होता है. जंपर प्लग इज लाइक द मेल पार्ट एंड कपलिंग इज लाइक द फीमेल पार्ट. ये दो दो नंबर के होते हैं, डायगनली अरेंज होते हैं. सो ये दिस इज द आईबीसी प्लग, इसको अगर देखें एंड सॉरी सॉकेट का गया. This is the socket. This is the socket, and इससे पहले जो मैंने दिखाया था, that is the IVC plug. ये plug वाला portion है, जिसको male part हम बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे ये जो पांच आपको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये वो जो 3 phase 5 wire मैंने system बताया था, इसमें जा रहा है. इसमें तीन phases हैं, और एक phase और एक neutral है और एक earth, इसमें connection जा रहा है, ठीक है? इसको अगर खोल के देखें, if you try to open it, तो इस तरीके से आपको wires दिखेंगे. और इसमें आपको तीन RYB रेड दिख रहा है, रेड इज वन फेस. आपको येलो दिख रहा है, येलो इज अनदर फेस. आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू इज अनदर फेस. आपको एक न्यूट्रल दिख रहा है और आपको एक अर्थ भी दिख रहा है. सो तो यू कैन सी दैट देयर इज वी हैव अ 5 wire सिस्टम हियर. इसमें दो इस तरीके के पतले वायर्स भी आपको दिख रहे होंगे. दिस इज द C1 C2 सेफ्टी लूप वायर्स, 24 वोल्ट के. इसको ये सेफ्टी लूप वायर्स है जो आईवी कपलर के साथ कंप्लीट लास्ट रेक तक ये कनेक्टेड रहती है. ये जो सेफ्टी लूप है बेसिकली क्या होता है कि आखिरी कोच में हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो हम पावर जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो सर्किट कंप्लीट है कि नहीं. तो फॉर एग्जांपल अगर ये लास्ट कोच तक आपने दिया, लास्ट कोच का भी अपना एक आईवी कपलर होगा, उसको वापस से हम उसी के एक डमी सॉकेट होता है, उसके डमी सॉकेट में हम इंसर्ट करते हैं इन द लास्ट व्हीकल, इन द रियर व्हीकल. जब हम ये करते हैं तो इससे जो सर्किट की कंटिन्यूटी है वो कंप्लीट हो जाती है और ये जो सेफ्टी लूप है ये कंप्लीट हो जाता है. द सेफ्टी लूप बिकम्स कंप्लीट एंड ड्यू टू दैट वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट द रेक इंटीग्रिटी इज देयर, इट इज देयर, द पावर ट्रांसमिशन, द रेक इंटीग्रिटी इज देयर. ओके बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोच को अगर इस तरीके से सेपरेट भी करना है
तो आप बीच में भी इस तरीके से डमी कनेक्टर में उस कोच को सेपरेट कर सकते हैं, बट इससे होगा ये व्हाट हैपेंस हियर कि इस कोच और इस कोच के बीच में ये जो फिल्टर लाइन की कनेक्टिविटी है दैट विल गेट डिसरप्टेड एंड ओनली ये वाली कनेक्टिविटी यहाँ रह जाएगी. ओके दैट वुड बी वन इश्यू व्हिच वी विल फेस. ये कभी कभी इस टाइप का अरेंजमेंट हमें करना पड़ सकता है ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल इश्यूज. ओके बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये जो सेफ्टी लूप वायर्स हैं दे आर प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी. ओके एंड दिस इज द सॉकेट द फीमेल पार्ट जो आई वी कपलर है उसका जो सॉकेट है जिसमें वो जाके अटैच होता है दूसरे कोच में वो ये सॉकेट है और इन दोनों के कॉन्टैक्ट होने की वजह से फिर पावर ट्रांसमिट होता है. ओके दिस दी सॉकेट. अब इस सॉकेट के पीछे आप देखें कि अब यहाँ जो पावर आया तो यहाँ पीछे एक बॉक्स दिख रहा है आपको. आई होप यू आर एबल टू सी दिस बॉक्स. इज दिस बॉक्स विजिबल ये सॉकेट के पीछे वाला बॉक्स. आई होप इट इज विजिबल. दिस बॉक्स इज कॉल्ड द फीडर जंक्शन बॉक्स. ओके This is called the feeder junction box. So, अब जो next stage है after IV coupler, देखिए power was generated in our power car and it was transmitted through the IV coupler. उसमें हमने देखा there is a jumper plug and there is a socket assembly. ठीक है. And अब socket assembly के पीछे से we have the feeder junction box जहाँ पे power हमको receive करना है. Feeder junction box भी दो प्रकार के हो सकते हैं. Plug side का हो सकता है. अगर जो मेल पार्ट होता है उसके पीछे भी एक फीडर जंक्शन बॉक्स लगा रहता है और जो फीमेल पार्ट जो सॉकेट साइड होता है उसके पीछे भी एक फीडर जंक्शन बॉक्स लगा होता है. बोथ हैव देयर ओन फीडर जंक्शन बॉक्सेस. ओके सो एंड दिस फीडर जंक्शन बॉक्स द पर्पस इज द सॉकेट साइड फीडर जंक्शन बॉक्स का पर्पस है इट रिसीव्स द पावर फ्रॉम एडजेसेंट कोच. इट रिसीव्स द पावर फ्रॉम एडजेसेंट कोच. फीडर जंक्शन बॉक्स इज द बॉक्स जहाँ पे पावर फाइनली रिसीव होता है एट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोच लेवल पे. यहाँ पे पावर रिसीव होता है. सॉकेट आगे है यहाँ पे सॉकेट है और यहाँ पे आपका फीडर जंक्शन बॉक्स रिसीव हुआ. यहाँ पे कितने आपको वायर्स दिख रहे हैं ये इस साइड में राइट साइड में गिने. हाउ मेनी वायर्स आर यू एबल टू विजुलाइज. फाइव. ठीक है तो जो मैं फाइव की बात कर रहा था वो कंटिन्यूस रह गया. ठीक है इसमें से तीन फेज न्यूट्रल और अर्थ अब सब आ गए हमारे पास. ठीक है तो कितना अब यहाँ तक इस पॉइंट पे अगर मैं मेजर करूंगा तो कितने कितना पावर रेटिंग मतलब कितना पावर आ गया मेरे पास. 750 वोल्ट. 750 वोल्ट थ्री फेज. ठीक है मेरे पास आ चुका है मेरे कोच के फीडर जंक्शन बॉक्स में आ चुका है. तो मेरा आधा काम हो चुका है. अब मुझे कोच के अंडर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है और मेरा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है. वट इज माई एंड ऑब्जेक्टिव. माई एंड ऑब्जेक्टिव इज की मेरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम चले. माई एंड ऑब्जेक्टिव इज की मेरे लाइट्स चले. My end objective is कि मेरे जो charging point है जिसमें मेरे passengers को phone charging करना है उस socket में power आए. So अब उस end objective को हम कैसे attain करेंगे वो अब हम discuss करेंगे इससे आगे. Any doubts up to this point? No sir. Okay. Very good. ठीक है तो इस तरीके से अगेन मैं एक सिंपल सिंपलिस्टिक सा लेआउट दिखा रहा हूँ आपको. This is the IV coupler jumper plug assembly. This is the IV ratchet or the socket assembly. उसके diagonally jumper assembly है और socket assembly भी diagonally है इस तरीके से. और इनके साथ का respective feeder junction box भी है. ये jumper assembly के हिसाब से feeder junction box है और ये socket assembly के साथ का feeder box है. ठीक है. And it is arranged like this. So अब हम अगर आप coach में receive कर रहे हैं power मान लीजिए इधर से receive कर दिया आपने तो इस पर्टिकुलर फीडर जंक्शन बॉक्स में आपका थ्री फेज 750 वोल्ट आ चुका है. अब उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आगे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है आईवी कपलर जंक्शन बॉक्स. ओके सो दिस इज क्लियर नाउ. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस अब जो कोच लेवल पे आता है दैट इज द डिस्कनेक्टिंग एन अर्थिंग डिवाइस. अच्छा देखिए कोच में क्या है कि हमारे पास ऐसा प्रोविजन रहना चाहिए. वी शुड हैव अ प्रोविजन दैट ये जो फीडर नेटवर्क है उससे हम डिस्कनेक्टेड रहें व्हेन वी वांट टू. ओके बिकॉज फीडर नेटवर्क आप समझिए इट इज लाइक अ लाइव वायर. वंस द डीजल अल्टरनेटर इज ऑन इट इज लाइक अ लाइव वायर जिसमें कंटिन्यूअस पावर फ्लो हो रहा है और वो फीडर नेटवर्क इट इज गोइंग थ्रू द कोच थ्रू द आईवी कपलर थ्रू द फीडर जंक्शन बॉक्स. देखिए फीडर जंक्शन बॉक्स के थ्रू ये पावर कंटिन्यूअसली
सर्कुलेट होता आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, पावर केबल्स इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है अपने आपके कोच के नीचे से, ये जो केबल्स इस तरीके से ये बढ़ते चले जा रहे हैं, बट हम फीडर जंक्शन बॉक्स में इसको टैप कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टैपिंग इट. सो बट वी शुड हैव द प्रोविजन, वी शुड हैव द प्रोविजन टू आइसोलेट आवरसेल्फ्स फ्रॉम द फीडर नेटवर्क इफ रिक्वायर्ड. हमें आइसोलेट करने की जरूरत कब पड़ सकती है, व्हेन डू वी नीड टू आइसोलेट? आपको कोच में कोई इलेक्ट्रिकल, जैसे घर में हम काम करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा व्हेन द इलेक्ट्रिकल पीपल कम, स्टाफ कम्स टू वर्क, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं वो, क्या पावर ऑन रखते हैं या मेन पावर बंद, मेन आपका जो MCB है उसको बंद करके काम करते हैं ना? डू दे डू इट ऑन? They do it, okay. They वो power बंद करते हैं, फिर आपका जो भी maintenance work है, fan का, light का, they do it, and then again उसको सब connection करके then they switch it on. तो वही mechanism यहाँ पे है, ऐसा समझ लीजिए. वो ये वो coach का main MCB समझ लीजिए, जो आपके घर का है ना, ये उस हिसाब से analogous way में analogy दे रहा हूँ मैं, so that आपको याद रहे. This disconnecting and earthing device, इसको short में DEND बोलते हैं, DEND, ये उसका वो function है. तो इस अभी जिस मोड में है ये आई मोड, इज दिस इज कनेक्टेड, दिस कनेक्टेड टू द फीडर नेटवर्क. इसको अगर मैं इधर डाल दूंगा, इस मोड में डाल दूंगा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और अर्थिंग भी कर देगा. ओके, अर्थिंग का क्या पर्पस है, व्हाई डू आई डू अर्थिंग? सर, टू डिस्चार्ज द इक्विपमेंट्स. टू डिस्चार्ज, वेरी करेक्ट, करेक्ट. क्योंकि देखिए आप फीडर, जब फीडर नेटवर्क से कनेक्टेड थे, आपके सारे इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर्स, मोबाइल चार्जर और जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सब में पावर जा रहा था, ठीक है. एंड ऑल दिस इक्विपमेंट्स हैव, ये ऐसे नहीं है कि पावर तुरंत लूज कर देते हैं, दे हैव कैपेसिटर्स एंड दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट व्हिच स्टोर पावर. रेसिडुअल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज देयर इन दिस इक्विपमेंट्स. ओके, आप जब इसको ऑफ कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि उनके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी, वी नीड टू ड्रेन इट. तो जब हम ये इस ओ पोजिशन में डालेंगे तो डिस्कनेक्ट तो हो ही जाएगा, और डिस्कनेक्ट होके ये सारे कोच के इक्विपमेंट्स अर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे, दे विल गेट कनेक्टेड टू अर्थ. सो अर्थ, और अर्थ के लिए तो मैंने दिखाया था, आप हमारे पास अर्थ वाला एक अलग हम पांचवा वायर खींच के ला रहे हैं, ठीक है, तो उससे वो कनेक्ट कर देगा और उससे होगा ये कि ऑल द रेसिडुअल इलेक्ट्रिसिटी विल बी अर्थ. ओके, जीरो पोटेंशियल हो जाएगा बेसिकली, एंड आफ्टर दैट इज डन, नाउ वी कैन डू द मेंटेनेंस. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. बेसिकली इट इज फॉर सेफ्टी पर्पस. अच्छा, अब हमारे हमारे जो पावर अब आया, द पावर विच वी आर गेटिंग, उस पावर को अब हम उस ट्रांसमिट करेंगे, वी विल ट्रांसमिट दैट पावर. तो सिंस इट इज यू नो वेरी हाई पोटेंशियल एंड वेरी हाई करंट इज फ्लोइंग इन आवर थ्री फेज नेटवर्क, वी नीड सर्टेन HRC फ्यूजेस लाइक दिस. कुछ HRC फ्यूज हमें चाहिए इस तरीके के, 125 एम्पियर रेटिंग के HRC फ्यूज हम यूज करते हैं, ठीक है. सो ये फ्यूज का पर्पस ये होता है कि अगर ड्यू टू सम रीजन ओवर करंट फ्लोज है ना, तो इट शुड बी एबल टू द फ्यूज विल बर्स्ट एंड इट विल प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ सच करंट, बट टिल द टाइम देर इज नो करंट, ओवर करंट, हाई करंट्स भी है तो इट विल बी एबल टू टॉलरेट. ओके, HRC स्टैंड्स फॉर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, दे हैव अ वेरी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी fuse, that is why it is 125 ampere. 125 ampere is a very high value. मैं proportionally बताऊं, मुझे ये बताइए एक human being के लिए कितना current fatal है? How much current if a human being touches then he will die? Any idea? 5 ampere. हैं? Sorry? Hello. Here. अरे आवाज आपकी कट रही है. हजार ओम सर. नहीं, ओम की बात नहीं कर रहा, मुझे करंट, करंट की वैल्यू बताइए, करंट कितना करंट है, अगर आपके बॉडी में अगर वो चला गया तो आप जिंदा नहीं बचेंगे. सो 5 एम्पीयर. नहीं नहीं, 5 एम्पीयर में तो आप ऑलरेडी स्वर्ग में टिकट बुक करके वहां पर स्वर्ग में घूम रहे होंगे ऑलरेडी. 0.5 एम्पीयर तक आप मोस्ट प्रोबेबली आप खत्म हो चुके होंगे. ओके, 0.5 एम्पीयर, नॉट जोकिंग,
मतलब सीवियर शॉक अगर आप देखें, मतलब जीरो अगर वन एम्पियर तक चला गया तो मुझे लगता है मुश्किल है, तो इट इज वेरी टफ, कुछ भी हो सकता है। और 5, 10, 20 तक चले गए तो फिर, और ये 100 एम्पियर अगर हमने छू दिया तो बर्नआउट हो सकता है, उस टाइप की चीज हो सकती है कि योर बॉडी कैन लिटरली, आपके बॉडी में आग लग सकती है, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो 125 एम्पियर आप समझ पा रहे हैं बाय दैट प्रोपोर्शन कितना ज्यादा, हाउ डेंजरस दिस इज, है ना, दिस इज वेरी हाई पावर एप्लीकेशन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस एस्पेक्ट। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कितने सेंसिटिव एंड हाउ पावरफुल थिंग्स दीज आर। ओके ओके, अच्छा, अनदर प्रोविजन विच हैज बीन प्रोवाइडेड, आईसीएफ कोच में भी आपने पढ़ा होगा और एलएचबी कोच में भी है, कि एक्सटर्नल पावर, देयर शुड बी एन एक्सटर्नल पावर सॉकेट। ओके, देखिए अगर कोच अगर साइडिंग में खड़ा है तो हम तो आईवी कपलर लगा के कहीं डीजी सेट से, डीए पावर कार्ड से तो पावर नहीं दे सकते, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसको एक्सटर्नली पावर देने के लिए हमने एंड वॉल में इस तरीके से एक्सटर्नल सॉकेट दे रखा है, एंड अगेन दिस इज कॉल्ड द एलएमएस, लोकल मेन सप्लाई। इसको हम थ्री फेज पावर यहाँ से डायरेक्ट थ्री फेज सप्लाई 415 वोल्ट दे सकते हैं, वी कैन डायरेक्ट 415 वोल्ट, मतलब जो 440 430 के रेंज का अगर हम पावर इसमें दे देते हैं तो ये अंदर के इक्विपमेंट्स, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, लाइट्स और सब फिर चलने लगता है। तो दैट प्रोविजन हैज बीन गिवन। ओके, इट्स लाइक दिस। ओके, अब any questions, any doubt up to this point? No questions? Okay. अब हम थोड़ा समझते हैं जो हमारा अब कोच के अंदर के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू दिस सिंगल लाइन डायग्राम। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फीडर नेटवर्क, फीडर वन, फीडर टू। ओके, ये फीडर वन, फीडर टू पे अगर आप ध्यान से, इफ यू आर एबल टू सी हाउ मेनी इस तरीके के डैश बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं, थोड़ा जूम करके देखें। अगर आप फोन से देख रहे हैं तो नहीं दिखेगा, लैपटॉप से देख रहे हैं तो शायद दिख जाए, पीसी से देख रहे हैं तो शायद दिख जाए। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर ओवर दिस लाइन, इस तरीके से, आर यू एबल टू सी? फोर सर, फोर। और उसके ऊपर एक इस तरीके का क्रॉस भी बना हुआ है, ऐसे है कि नहीं, फीडर वन फीडर टू में? उसका क्या मतलब? उसका मतलब है फाइव। जब भी वोटिंग, वोट की काउंटिंग होती है तो कैसे होती है, 1, 2, 3, 4 और पांचवा ऐसे मारते हैं तो पांच पूरा हो गया, तो वही हुआ यहाँ पे। तो ये इसका क्या इंडिकेशन, इसका क्या मतलब है, ये इधर क्यों लगाया गया है? सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाना था, हम पांच वायर ड्रॉ करेंगे तो इतना कंफ्यूजन होगा, किसी को समझ नहीं आएगा, इसलिए बहुत सिंपली इसको बनाया गया है। अच्छा, यहाँ से चार वायर हमने खींच लिए इस तरीके से, चार वायर, चार चार इधर से हमने खींच लिए और डिसकनेक्टिंग एन अर्थिंग डिवाइस से कनेक्ट कर लिया। इसमें तीन फेज एक न्यूट्रल है, हमने डिसकनेक्टिंग एन अर्थिंग डिवाइस से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, अब डिस्कनेक्टिंग अर्थिंग डिवाइस में, एज आई टोल्ड यू, इसमें हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन कनेक्ट आवर पावर सप्लाई टू द अर्थ। हियर ये अर्थ कनेक्शन यहाँ दिया है, हम अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं एंड कंप्लीट हमारा ड्रेन हो जाएगा, इट विल गेट ड्रेन्ड। ओके, इट विल गेट ड्रेन्ड और कोई रेसिडुअल इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। अब डीएनडी तो आप समझ चुके हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ये जो HT फ्यूज, HRC फ्यूज है, ये 63 एम्पियर लिखा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रिप्लेस्ड नाउ बाय 125 एम्पियर HRC फ्यूज। ठीक है, यहाँ पे ये फ्यूज 125 एम्पियर का है। इसके आगे अब आता है K01 कॉन्टैक्टर इधर एंड K02 कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर याद करिए, हमने सबसे पहले सेशन में बात की थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्टर, नथिंग, एक स्विचिंग मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है। ठीक है, थ्री फेज एप्लीकेशन, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, नॉर्मल जो घर में स्विच है वो यूज नहीं कर सकते, कॉन्टैक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड तो दिस कॉन्टैक्टर इज देयर एंड ये जो कॉन्टैक्टर है इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फीडर से पावर लेना है। ओके, आपको अगर फीडर वन से लेना है आप K01 कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे, आपको फीडर टू से लेना है आप K02 कॉन्टैक्टर ऑन करेंगे। ओके, एट एनी टाइम यू कैन ओनली यूज वन कॉन्टैक्टर। ओके, एक ही कोई किसी को ऑन कर सकते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पे साइड में एंड ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड फॉर बोथ द कॉन्टैक्टर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ वीएम रिटेल गियर. दिस नथिंग बट द वोल्ट मीटर. ये वोल्टेज लेवल मेजर करेगा. बट देयर इज समथिंग ऑल्सो रिटन हियर एज एमएमआर. ओके, यहाँ कुछ एमएमआर लिखा हुआ है. व्हाट इज दिस एमएमआर? मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले. ओके, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले. क्या पर्पस है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले का? क्या मेजर करता है? क्या मॉनिटर करता है? अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, फेज सीक्वेंस. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिए इसमें फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू इलेक्ट्रिकल, मतलब जो पहली बार ही देख रहे हैं, तो थ्री फेज की अगर मैं बात करूं, यहां थ्री फेज आ रहा है 415, इसमें भी 415 है, इसमें भी 415 है, इसमें भी 415, मान लो आपका थ्री फेज आ रहा है. ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना होगा कि तीनों फेज में इक्वल 415 आ रहा है कि नहीं. ठीक है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है. अगर कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा? फेज इम्बैलेंस हो जाएगा. देयर विल बी फेज इम्बैलेंस. ठीक है, तो वो इंश्योर करना है. अंडर वोल्टेज नहीं होना चाहिए. 415 से कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है किसी में. ओवर वोल्टेज नहीं होना चाहिए. ठीक है, फेज सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए. फेज सीक्वेंस शुड बी मेंटेन्ड. जितना फेज एंगल जितना होना चाहिए वो मेंटेन्ड रहना चाहिए. ठीक है, आउट ऑफ फेज रहेंगे तो फिर वो थ्री फेज का फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा. तो वो सारी चीजों को मेजर करने के लिए, मेजर और मॉनिटर करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड अ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक्चुअली. ओके, एंड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विथ द फेज, और ये कहां से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम द फीडर नेटवर्क, फ्रॉम द डीजल, फ्रॉम द पावर कार. अगर वहां से ही पावर गड़बड़ आ रहा है तो एमएमआर आगे पावर को सर्कुलेट होने नहीं देगा. द पावर आगे जाने ही नहीं देगा पावर को. इट विल रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ पावर. ओके, सो इट इज अ बेसिकली अ फेल सेफ डिवाइस. व्हाई डू वी नीड टू डू इट? इसको करने की जरूरत क्या है? अगर हम ये फेज इंबैलेंस, फेज सीक्वेंस नहीं चेक करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फॉल्ट, फॉल्ट हो सकता है. आपके इक्विपमेंट सब बर्बाद हो सकते हैं. इक्विपमेंट चल सकते हैं. हाँ, बिकॉज योर इक्विपमेंट, तो उनका बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल तो ये स्टैंडर्ड थ्री फेज के हिसाब से है कि प्रॉपर थ्री फेज आएगा और फिर उसमें है ना आपके मोटर चलेंगे. आपके फिर मोटर में इम्बैलेंस रहेगा, इधर उधर आएगा तो मोटर वोटर सब खराब हो जाएंगे आपके. ओके, सो दैट इज वाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, अब यहाँ तक हम पहुंच गए. यहाँ तक क्लियर हो गया. हमने फीडर नेटवर्क, डिस्कनेक्टिंग अर्थिंग डिवाइस, फ्यूज, एमएमआर, कॉन्टैक्टर समझ गए हम लोग. अब आते हैं ट्रांसफार्मर पे. ये अभी एसी कोच की बात हो रही है. 60 केवीए ट्रांसफार्मर है हमारे पास. 60 केवीए थ्री फेज 750 वोल्ट को 415 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है. ऐसा ट्रांसफार्मर है हमारे पास. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल. ओके, तो ये जो ट्रांसफार्मर भी हमने सबसे पहले सेशन में बात की थी, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि स्टेप डाउन स्टेप अप करने के पर्पस से हम यूज कर सकते हैं. तो ये स्टेप डाउन पर्पस यूज होता है 750 टू 415 वोल्ट. ठीक है, अब ये जो 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, इधर भी हमने कुछ प्रोटेक्टिव फ्यूजेस दे रखे हैं. यहाँ भी अगर ओवर करंट हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज है. फिर ये 44 कॉन्टैक्टर है. अब यहाँ से अब ये 415 वोल्ट जो आपका थ्री फेज एसी है, इस बस बार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाइक दिस. ठीक है, ये थ्री फेज 415 वोल्ट एसी बस बार में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब यहाँ से जिसको भी पावर टैप करना है कर ले. आपका रेगुलेटेड, आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेगुलेटेड बैटरी चार्जर, इसने भी पावर टैप कर लिया. इमरजेंसी बैटरी चार्जर, ये भी इससे ले लेता है. आपका एसी प्लांट पूरा का पूरा, आरएमपीयू बेसिकली, एसी प्लांट स्टैंड्स फॉर आरएमपीयू, ये आपका पावर ले लेगा. ठीक है, उसके बाद आपके 1 KVA के अलग से ट्रांसफार्मर है, वो आगे मैं बात करूंगा. अब वाटर पंप है, एग्जॉस्ट फैन, तो दीज दे विल ऑल, पैंट्री अप्लायंसेस, ये भी इससे पावर टैप कर लेते हैं. ओके, सो ये बस बार है जिससे काफी सारा पावर यहाँ से टैप 415 वोल्ट एसी टैप हो जाता है. ओके, अब इस पॉइंट पे अब मैं स्लाइड्स आगे बढ़ाता हूँ. तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इक्विपमेंट होता है आपके कोच में, वो होता है ये स्विचबोर्ड कंपार्टमेंट. आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इट इन द पावर पैनल साइड. दिस स्विचबोर्ड कंपार्टमेंट इज प्रेजेंट नियर द डोर. ओके, जस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द डोर. ऐसे घुसेंगे कोच में तो लेफ्ट साइड ऑफ द डोर में दिखेगा.
एंड इसके नीचे ये जो 750 वोल्ट लिखा है दिस इज द डिस्कनेक्टिंग एन अर्थिंग डिवाइस, ये यहाँ पे डी है, डी डिस्कनेक्टिंग एन अर्थिंग डिवाइस रहता है. ओके और इसमें ऑल काइंड ऑफ एमसीबीज और वो सब एसी एमसीबीज डीसी एमसीबी सारे कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोलर फॉर एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसका इंडिकेशन एचपीएलपी कटआउट का सब इंडिकेशन सब यहाँ आता है ना. इसको अगर पूरी तरीके से खोल दे तो इस तरीके से आपको एसी एमसीबीज डीसी एमसीबीज डीसी डीसी कन्वर्टर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पंप यूनिट इस तरीके से चीजें आपको दिखेंगी. दिस इज द डिस्कनेक्टिंग अर्थिंग डिवाइस, यहाँ बॉटम राइट में दिस इज द डिस्कनेक्टिंग अर्थिंग डिवाइस. ओके इसमें एंटी स्किड डिवाइस है जो WST में यूज होता है वो भी इसी के अंदर हाउस होता है. पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम अगर आपका है तो वो भी इसी के अंदर डाला जाता है. मेजरिंग मॉनिटरिंग रिले आई हैव स्पोकन दैट दिस इज देयर टू मॉनिटर द फेस पैरामीटर्स फेस सीक्वेंस फेस फेलियर ओवर एंड अंडर वोल्टेज एज वेल एज फेज इम्बैलेंस. तो ये सब ये देखता है. अंडर वोल्टेज 680 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए, ओवर वोल्टेज 780 वोल्ट से कम नहीं हो ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये 750 जो सप्लाई आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. तो अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो पावर सप्लाई विल बी डिसकंटिन्यूड. अच्छा अब अभी तक तो एसी कोच की बात कर रहे थे, नॉन एसी कोच में क्या अलग होता है? नॉन एसी कोच में क्या होता है, जो ये आपका पावर पैनल है ये अंडरस्लंग होता है. सबसे पहली चीज, दिस पावर पैनल इज कंप्लीटली अंडरस्लंग लाइक दिस. ओके एंड इसमें भी 750 वोल्ट से फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू 415 वोल्ट फिर कन्वर्जन होता है. ठीक है बट मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आर हियर ना, ये अंडरस्लंग इसमें होते हैं और इसमें ट्रांसफार्मर का रेटिंग वो कम होता है. ठीक है उसके 15 KVA तक का होता है वो, दैट विल टॉक इन द स्लाइड्स अहेड. हाँ इसमें बैटरी चार्जर भी अंडरस्लंग होता है. बैटरी चार्जर क्या है आई विल टॉक अगेन फर्दर. तो अभी यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली बात है कि आपका जो 750 वोल्ट है 415 वोल्ट में यहाँ स्टेप डाउन हुआ ट्रांसफार्मर में एंड इट इज सप्लाइड टू दिस 415 वोल्ट एसी बस बार. ओके अब यहाँ पे मतलब एक पावर पैनल साइड चला जाता है, एक नॉन पावर पैनल साइड चला जाता है आप है ना. तो ये जो BLR2 CD2 ये सब जो है, ये व्हाट इज BLR व्हाट इज CD, ये कंडेंसर है. ठीक है RMPU का कंडेंसर, BLR ब्लोअर मोटर है, PCP कंप्रेसर हीटर यूनिट, इन सबको पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ये थ्री फेज लेते हैं क्योंकि ये देखिए तीन वायर टैप कर रहे हैं RYB दे आर टैपिंग थ्री वायर, तो ये थ्री फेज जा रहा है यहाँ पे. अब यहाँ से एक टैपिंग देख रहे हैं आप वन अनदर नेटवर्क हियर, यहाँ पे इधर से चार लेके. ठीक है फिर हम लोग एक 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं. एक फेज हम लोग जब फेज टू फेज जब हम इससे उठाते हैं, व्हेन वी टेक फेज टू फेज, तो फेज टू फेज लेके हम 230 वोल्ट एसी हमें मिलता है सिंगल फेज, और उससे हम ये हॉट केस बॉटल कूलर और डीप फ्रीजर इसको हम चलाते हैं. हॉट केस बॉटल कूलर एंड डीप फ्रीजर इसको हम पावर देते हैं इसी थ्री फेज नेटवर्क से फेज टू फेज लेके. ओके हम लोग हॉट केस बॉटल कूलर और डीप फ्रीजर चला लेते हैं. ठीक है आई थिंक दिस उसके बाद एक हमारे पास 1 KVA का ट्रांसफार्मर होता है जो इस 415 वोल्ट को फर्दर 110 वोल्ट एसी में स्टेप डाउन कर देता है, सिंगल फेज एसी में स्टेप डाउन कर देता है, और उससे हम मोबाइल चार्जिंग सॉकेट और हमारे जितने भी लाइट्स काफी इनफैक्ट आजकल तो HOG कंप्लायंट रेट में ऑल दी लाइट्स हैव बीन शिफ्टेड टू 110 वोल्ट एसी. पहले कुछ लाइट्स 110 वोल्ट एसी पे चलते थे, काफी सारे लाइट 110 वोल्ट डीसी नेटवर्क पे थे, बट आई थिंक नाउ दे हैव ऑल बीन शिफ्टेड टू एसी नेटवर्क. तो ये 110 वोल्ट एसी से यहाँ मोबाइल सॉकेट और यहाँ हम अब लाइट चला रहे हैं. ये 415 वोल्ट से 110 वोल्ट अगेन हम लोग स्टेप डाउन करते हैं सिंगल फेस, और उससे हम ये मोबाइल सॉकेट चार्जर एंड लाइट इसके लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं. ये हो गया 110 वोल्ट एसी बस बार, ये वाला साइड हो गया, ये 230 वोल्ट एसी नेटवर्क हो गया, ये 110 वोल्ट एसी नेटवर्क हो गया. अब डीसी साइड में अगर देखें डीसी साइड पे अभी आते हैं. डीसी साइड पे डीसी कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होने की जरूरत है वो बताता हूँ मैं.
यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन आरबीसी व्हिच इज देखिए जो थ्री फेज सप्लाई पावर ले रहा है और ये आरबीसी है. आरबीसी स्टैंड फॉर रेगुलेटेड बैटरी चार्जर. क्या व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? रेगुलेटेड बैटरी चार्जर. इसका क्या पर्पज है? ये थ्री फेज सप्लाई एक तरफ लेता है और दूसरे साइड ये डीसी बना के दे देता है हमें. कॉन्स्टेंट डीसी 110-120 के आसपास कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई निकाल के हमें दे देता है. और ये इस डीसी सप्लाई को ये इस बड़े से बस बार में डीसी बस बार में ये सप्लाई कर देता है. ये सप्लाई लाइन है टू वायर डीसी सप्लाई. ओके. और इसी बस बार के पैरेलल में हमारा बैटरी कनेक्टेड है. तो जो आरबीसी हमें 110 वोल्ट डीसी दे रहा है उससे हमारा बैटरी भी चार्ज हो रहा है और उसी से हमारे बाकी डीसी 110 वोल्ट डीसी पे चलने वाले इक्विपमेंट्स भी उससे चल रहे हैं. ठीक है. उससे जितने भी 110 वोल्ट डीसी पंप कंट्रोलर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोलर हो गया, 110 वोल्ट पे डीसी लाइट्स कुछ चलते हैं, अब तो नहीं चल रहा, बट जितने लाइट्स हैं अर्लियर जो होते थे उनके लिए भी ये चाहिए. ठीक है. तो उनके लिए हम ये 110 वोल्ट डीसी यूज करते हैं. मेनी ऑफ दीज इक्विपमेंट्स अभी क्या हो रहा है कि ये जैसे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया और काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनको अब 110 वोल्ट डीसी नहीं, अब उसको कम रेटिंग लगभग 24 वोल्ट डीसी से इनका काम चल जा रहा है. तो उसके लिए हम 110 वोल्ट डीसी टू 24 वोल्ट डीसी एक डीसी डीसी कन्वर्टर यूज करते हैं यहाँ पे लाइक दिस, जो 110 वोल्ट डीसी को 24 वोल्ट डीसी में स्टेप डाउन कर देता है और उसको ये यूटिलाइज हम लोग करते हैं फिर ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देने के लिए इन छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को. ओके. जो कम रेटिंग डीसी पे जो चलते हैं. ओके. ये आगे फर्दर और रिवाइज हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी. तो अभी ट्रांसफार्मर पे आते हैं. ट्रांसफार्मर जो है 60 केवीए का ट्रांसफार्मर जो है दिस इज यूज इन द एसी कोच एंड 15 केवीए ट्रांसफार्मर इज देयर इन द नॉन एसी चेयर कार कोचेस एंड 9 केवीए इज देयर इन द नॉन एसी सेकंड क्लास एंड द स्लीपर कोचेस. ओके. इस टाइप के ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन है कोच वाइज अगर देखें. एंड जो 60 केवीए ट्रांसफार्मर है वो थ्री इपॉक्सी कोटेड एनकैप्सुलेटेड ट्रांसफार्मर है एंड इस तरीके का ये अंडरस्लंग ट्रांसफार्मर रहता है 60 केवीए का. ओके. इट हैज अ परफोरेटेड हाउसिंग फॉर नेचुरल कूलिंग. एंड जो नॉन एसी का जो ट्रांसफार्मर है इट मे बी 15 केवीए और 9 केवीए. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इट इज अंडरस्लंग. ओके. अब होता ये कि डिसकनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस के बाद पावर जाता है अंडरस्लंग ट्रांसफार्मर में. ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स द 4750 वोल्ट टू 415 वोल्ट थ्री फेज और वापस ये फिर वापस से ऊपर आता है पावर पैनल में इस तरीके से K44 कॉन्टैक्टर में और उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर सारे पूरे कंप्लीट नेटवर्क में अक्रॉस ऑल दी कोचेस. सो पावर इस तरीके से बेसिकली वायरिंग अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरीके का आप मिलेगा कि पहले फीडर जंक्शन बॉक्स में आया, फीडर जंक्शन बॉक्स से ऊपर ये डिस्कनेक्टिंग अर्थिंग डिवाइस में गया, वहां से ये अगेन अंडरस्लंग इस तरीके से नीचे चला गया ट्रांसफार्मर में एंड फ्रॉम ट्रांसफार्मर इट कम्स बैक अगेन, इट कम्स अप एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर कोच. तो 415 वोल्ट एसी नेटवर्क का जो यूनिट वन बस बार है इट सप्लाईज पावर टू द 1.5 एचपी ब्लोअर मोटर, टू कंडेंसर मोटर्स, टू कंप्रेसर्स, वन हीटर, मोबाइल चार्जिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करता है उसको. सो इसको ये सप्लाई करता है नॉन पावर पैनल साइड वाला, एनपीपी साइड वाला. और पावर पैनल साइड वाले जो बस बार हैं उससे हम उस दूसरी साइड का ब्लोअर, कंडेंसर, कंप्रेसर, हीटर, मिनी पेंट्री और वाटर पंप उनको पावर सप्लाई करते हैं. ओके. अब ये जो 110 वोल्ट ये जो डीसी साइड है इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने आपको जो बताया कि आरबीसी रेगुलेटेड बैटरी चार्जर उसके बारे में हम बात करते हैं. तो जो रेगुलेटेड बैटरी चार्जर है it is supplied with 415 volt three phase AC at around 50 to 60 hertz range and its output is constant DC voltage at around 110 or 120 ke beech mein reh sakta hai around this range. Okay. And the maximum current output of this device is 50 amperes. Okay. And the purpose of this regulated battery charger is to convert three phase AC 415 volt three phase AC into 110 volt DC to supply it to the battery. Okay, इसीलिए इसका नाम है regulated battery charger. और ये regulated इसलिए है क्योंकि ये जो 415 volt three phase AC है उसमें थोड़ा सा fluctuation हो सकता है, but इधर पे fluctuation कम है.
इधर हमें कॉन्स्टेंट आउटपुट चाहिए बैटरी साइड में, बिकॉज वट इज द प्रॉब्लम, अगर हम बैटरी को अगर फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग डीसी सप्लाई देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है. सो दैट इज वाई बैटरी चार्जिंग पर्पज से हमें थोड़ा कॉन्स्टेंट, काफी हद तक हमें कॉन्स्टेंट पावर देना होगा. वी कैनॉट हैव मेनी मच फ्लक्चुएशन देयर, सो दैट इज वाई इट इज रेगुलेटेड. तो जैसे रेक्टिफायर कम रेगुलेटर रेगुलेशन यूनिट था ना वहाँ पे ICF कोच में, RRU या ERRU अगर आपने पढ़ा होगा, तो वो जैसे कॉन्स्टेंट हमें पावर देता था डीसी पावर फॉर बैटरी चार्जिंग, उसी तरीके से उसी का ही एक एनालॉगस इक्विपमेंट ये है, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर. ओके, और इसका जो मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है ये मैं ब्रीफली बता दूं कि इधर हमने थ्री फेज सप्लाई दिया कन्वर्टर में, इस कन्वर्टर ने उस थ्री फेज सप्लाई को इनिशियली डीसी में कन्वर्ट कर दिया, इट कन्वर्ट्स इट इनटू डीसी. बट ये जो डीसी हमारा, हमें तो चाहिए डीसी था, बट ये जो डीसी है ये कॉन्स्टेंट डीसी नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, और हमारे रेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड डीसी नहीं है. तो फिर हम इस डीसी को एक इन्वर्टर में डालते हैं और वापस से हम सिंगल फेज एसी बनाते हैं, है ना. यहाँ थ्री फेज आया था, अब इसको सिंगल फेज एसी बनाते हैं. इस सिंगल फेज एसी को हम ट्रांसफार्मर में डाल के इसको स्टेप डाउन करते हैं, और उस स्टेप डाउन एसी को हम वापस से डीसी में कन्वर्ट करके फाइनली सप्लाई करते हैं. सो दिस इज जो रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन तो यहाँ हो गया, रेक्टिफायर में रेक्टिफिकेशन तो हो ही गया, पर जो रेगुलेशन है वो यहाँ कन्वर्टर, इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर, इन तीन स्टेजेस में रेगुलेशन हो रहा है. वी आर एबल टू रेगुलेट, वी आर एबल टू कंट्रोल, एंड हम उसको स्टेप डाउन उसी लेवल तक करते हैं, सो दैट इन फाइनल आउटपुट हमारा आए वो 110 वोल्ट से 120 वोल्ट के बीच में रहे, प्रेफरेबली 110 वोल्ट. और ये फुल्ली कंट्रोल्ड आईजीबीटी बेस्ड नेटवर्क है. ये जितने भी कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, रेक्टिफायर्स हैं, वी हैड डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट सेशन कि जितना मैंने रेक्टिफायर इन्वर्टर आपको दिखाया था उन सब में डायोड नहीं यूज हो रहा है आजकल, दे आर ऑल, वी आर ऑल यूजिंग नाउ आईजीबीटी बेस्ड सिस्टम. ओके, नाउ द एलएचबी कोच में वी हैव अ बैटरी बॉक्स ऑल्सो. मेनी पीपल हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट एलएचबी कोच में सिंस वी हैव डीजल अल्टरनेटर सेट we do not need any batteries. Actually, we do have batteries backup के लिए, emergency cases के लिए, accident के लिए, accident वाले cases के लिए. We do have a battery set, backup battery हमने इसमें दिया हुआ है. और इसमें most importantly the type of battery which we are using, it is VRLA battery. VRLA, I hope you are aware about VRLA battery. Regulating. Lead acid cell. Wall regulating lead acid cell. Wall regulated lead acid battery. How is it different from the conventional lead acid battery or the LMLA type, low maintenance lead acid battery? Unse ye kaise alag hai? Ye sealed hoti hai, usme matlab top up ki zarurat nahi hoti hai. Ya distribute matlab like plastic clear nahi aa rahi. Sorry. Ye sealed hoti hai, isme top up ki zarurat nahi hoti hai like. एब्सोल्युटली करेक्ट. हाँ, ये सील्ड होती है, इसमें टॉप अप की जरूरत नहीं होती है. बिल्कुल सही बोला माकर जी ने. एक्चुअली इसमें जो मीडियम होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जेल मीडियम में होता है. ठीक है, इट इज अ जेल मीडियम बेस्ड. इसमें आपका लिक्विड टाइप का लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, इसमें जेल मीडियम होता है. और ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल के तहत इसमें रिएक्शन होता है, जिस वजह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है बैटरी का. एंड ड्यू टू दिस जेल मैट्रिक्स, इसमें क्योंकि इसमें लिक्विड नहीं है और इसमें यू नो वेपराइजेशन उस हिसाब से होता नहीं है. लिक्विड आपका हमारा जो टॉप अप हम करते हैं लिक्विड मीडियम मेंटेन करने के लिए, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस. एंड इट इज ड्यू टू इट बीइंग अ जेल, वी कैन कीप इट इन एनी ओरिएंटेशन. एक्चुअली लेड एसिड बैटरी को एक्चुअली एक पर्टिकुलर पोजिशन में रखना होगा, वरना साइड वाइड इधर उधर किए तो बर्बाद हो जाएगा, स्प्लेज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है. But for VRLA batteries, it is very flexible. It has a gel matrix and very, very flexible in this aspect. And it has eliminated many of the problems of the normal conventional lead acid battery. Okay. इस तरीके से ये रहते हैं. Yeah, this is the clamping arrangement. This is the battery box positive, battery box negative side. Okay, ठीक है.
नॉन एसी कोच में भी, नॉन एसी कोच में भी हाँ बैटरी यूनिट हम यूज करते हैं 120 एम्पीयर आर रेटिंग का, एसी कोच में 70 एम्पीयर आर रेटिंग का हम बैटरी सेट यूज करते हैं. एंड दिस इज हाँ 110 बस बार, 110 वोल्ट डीसी जो बस बार मैंने दिखाया था उससे हम लोग WSP लाइट कंट्रोल, ऑल कोच लाइटिंग इंक्लूडिंग एमरजेंसी लाइट्स, मिनिमम वोल्ट रिले, पंप कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर, ऑल मेजरिंग डिवाइसेस, उसको सबको 110 वोल्ट डीसी चाहिए होता है तो सबको यहाँ से पावर जाता है जो 110 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड बैटरी चार्जर देता है उससे. बट कुछ कुछ इक्विपमेंट्स को 24 वोल्ट भी चाहिए, पीए सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम, सैनिटरी आइटम्स, उनके लिए हमें 24 वोल्ट पावर चाहिए. तो उसके लिए डीसी डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर एक यूज होता है विच कन्वर्ट्स 110 वोल्ट डीसी टू 24 वोल्ट डीसी. तो उसके थ्रू हम उसको स्टेप डाउन करके 24 वोल्ट भी सप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द अंडरग्राउंड केबलिंग नेटवर्क. ओके अच्छा हाँ, जो एक आई टोल्ड यू अबाउट एन MVR मिनिमम वोल्टेज रिले, इट हैज बीन प्रोवाइडेड एक्चुअली, इट एंश्योर्स द हेल्दी कंडीशन ऑफ द कंट्रोल सप्लाई फॉर द कोच. एक्चुअली ये जो हमारे मेजरिंग और काफी सारे कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं उनको काफी सारों को डीसी सप्लाई चाहिए. ओके 110 वोल्ट डीसी या और भी वेरियस डीसी सप्लाई चाहिए. तो जो डीसी आता है वो डीसी तो फाइनली कौन प्रोड्यूस करता है कोच के अंदर, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर इज प्रोड्यूसिंग दैट डीसी. तो अगर आरबीसी खराब हो जाएगा तो विल देयर बी अ प्रॉब्लम और नॉट, प्रॉब्लम होगा. जितने भी हमारे जो मैं कल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल बोल रहा था कि सारे कंट्रोल सिस्टम को एसी नहीं डीसी चाहिए होता है, तो डीसी अगर हमारा आरबीसी खराब हो गया तो कुछ देर के लिए तो हमारा बैटरी पुल कर लेगा, ठीक है बैटरी में चार्ज है, बैटरी विल मैनेज. ओके बट अगर बैटरी थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से आवर कोच विल फील. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट व्हाट मैकेनिज्म हमने दिया है, एक तो मिनिमम वोल्टेज रिले है वो देखता है कि अगर 110 वोल्ट डीसी 110 वोल्ट से नीचे अगर आउटपुट जा रहा है, बैटरी आउटपुट 110 वोल्ट डीसी सप्लाई अगर उस बस बार में 104 वोल्ट से नीचे चला गया, व्हाट इट विल डू इज सबसे पहले ये डीसी डीसी कन्वर्टर को बंद कर देगा. इट विल फर्स्ट इनिशियली टर्न ऑफ द डीसी डीसी नेटवर्क कन्वर्टर, 110 वोल्ट से 24 वोल्ट वो जो कन्वर्जन वो बंद कर देगा. एंड इट विल स्विच ऑन द ईबीसी एमरजेंसी बैटरी चार्जिंग. अब ये एक ईबीसी भी था, मैं आपको वापस पीछे ले जाता हूँ, हमारे नेटवर्क में एक ईबीसी भी था पैरेलल टू द आरबीसी. यहाँ देखिए ये आरबीसी है, यहाँ पे एक एमरजेंसी बैटरी चार्जिंग का भी है, ठीक है इधर. तो ये बैकअप है, अगर ये आरबीसी फेल हो गया तो ईबीसी विल इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन, इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ द आरबीसी और हमें फाइनली दिस गिव्स द आउटपुट एज 110 वोल्ट डीसी ओनली. तो वो हमने दे रखा है, ईबीसी हमने दे रखा है, अगर आरबीसी फेल हो गया तो ईबीसी विल सप्लाई टू दिस 110 वोल्ट डीसी नेटवर्क. ओके आई होप दिस इज क्लियर. ओके अब व्हाट हैपेंस इन अ नॉन एसी एलएचबी कोच, इन अ नॉन एसी एलएचबी कोच 750 वोल्ट फीडर सप्लाई है, 415 वोल्ट वो थ्री फेज में कन्वर्ट होता है और 190 वोल्ट थ्री फेज एसी एक अलग लेवल होता है 9 KVA वाले ट्रांसफार्मर में, तो उस लेवल पे भी ट्रांसफॉर्म होता है. 415 वोल्ट जो थ्री फेज सप्लाई है दैट इज गिवन टू द वाटर पंप एंड रेगुलेटेड बैटरी चार्जर. एंड द रेगुलेटेड बैटरी चार्जर कन्वर्ट्स इट द 415 वोल्ट थ्री फेज टू 110 वोल्ट डीसी पर बैटरी चार्जिंग सप्लाई to BLDC fans and the lighting load also. Okay. और जो lights हैं, the lights are arranged जो L1, L2 circuit and fan circuit जैसे normal ICF coach में है, उसी तरीके से distribution है यहाँ पे भी. L1 circuit में power देंगे तो आधे lights जलेंगे, L2 में बाकी आधे जलेंगे. Fan के लिए अलग हमारे पास है supply system. तो उस तरीके का system यहाँ पे भी है. Okay. And जो ट्रांसफार्मर में इसके ट्रांसफार्मर में 750 वोल्ट इनपुट होता है, नॉन एसी कोच की मैं बात कर रहा हूँ, और सेकेंडरी साइड पे दो टैपिंग होते हैं, एक 415 का टैपिंग होता है और दूसरा 190 का टैपिंग होता है.
ठीक है, जो 415 का टैपिंग होता है वो तो मैंने बता दिया आपको, वो वाटर पंप और आरबीसी में चला जाता है, उससे हमारा डीसी नेटवर्क और लाइटिंग वाइटिंग सब हो गया। तो 190 कहाँ जाता है, 190 नेटवर्क के का हम जब फेस टू न्यूट्रल टैप करते हैं, 190 जो थ्री फेस प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर हम फेस टू न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, फेस टू न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो वी विल गेट अराउंड 110 वोल्ट्स, और उस 110 वोल्ट्स सिंगल फेस को हम मोबाइल चार्जिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। 110 वोल्ट एसी तो हमें मोबाइल चार्जिंग के लिए चाहिए, तो दैट वी यूटिलाइज फॉर मोबाइल फोन चार्जिंग। ओके, तो दिस इज द यूटिलाइजेशन फॉर द नॉन एसी कोच पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज मच मोर सिंपलर, यहाँ पे ज्यादा तामझाम है नहीं, इट इज कंपैरेटिवली सिंपलर। अनदर थिंग दैट इज देयर इन अ कोच इज द एक्सीडेंटल इमरजेंसी लाइट, जिसमें 12 वोल्ट का इनबिल्ट चार्जर है, एंड ये जो लाइट है दिस हैज बीन, ये इमरजेंसी लाइट इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी भी वजह से अगर बैटरी सप्लाई अगर डिसरप्ट हो जाता है, कोच में आगे नहीं आता है, तो ये लाइट अपने आप जल जाएंगे इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ओके, दे विल बी देयर, एंड दीज लाइट्स आर प्रोवाइडेड इन द डोरवेज एंड इनसाइड द कोच, 4 नंबर्स इन ईच कोच, एंड दे कैन प्रोवाइड इल्यूमिनेशन अप टू 6 आवर कंटिन्यूअसली। बट व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द फीडबैक फ्रॉम द फील्ड इज दैट ये काफी फेलियर आइटम है, मतलब फ्रीक्वेंटली ये खराब रहता है, it is not work able to work properly or is out of order rehta hai most of the times and it is prone to failure, but it, nevertheless it has been provided. ab aate hain end on generation of eog ke bare mein, humne baat kar li but iske kuch disadvantages hain. main piche chala jata hu, main aapse puchta hu ki what are the disadvantages of the eog. EOG rake ke disadvantages kya hai? What are the disadvantages of end-on generation? Sir, we require two power cards. Smoke and noise. Diesel use karte hain, pollution hota hai. Fuel consumption jo hai bahut zyada hota hai. Diesel consumption. Correct. Sir, noise bahut zyada produce hota hai. Noise produce hota hai, smoke bhi hai. High cost of energy due to high fuel cost. Fuel ke rates to aasman chhu rahe hain, to bahut hi high hai. Yeah. And flexibility in rake formation not possible. ये तो थोड़ा रहता ही है, थोड़ा सा क्योंकि individual नहीं है, वो flexibility थोड़ा कम रहता है end on generation में as such. And passenger capacity reduced due to provision of power car. वो जो दो power car हमने end में दे रखे हैं, अगर उसके जगह passenger coach होते तो we could have ferried more passengers ना, तो वो एक थोड़ा compromise है. ये कुछ disadvantages हैं. और अगर आप cost comparison देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कितना है, 7 रुपए, और इट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट मैं एक एवरेज मान रहा हूँ 7 रुपए पर यूनिट, ठीक है. अगर आप सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम का देखेंगे तो कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशंस मैं बता रहा हूँ RDSO द्वारा किए गए हैं. सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम में बताया गया है कि 7 रुपए पर यूनिट कंजम्पशन तो ठीक है, यूनिट है, बट ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी के अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ओवरऑल आप इफेक्टिवली 13.17 रुपीस पे कर रहे हैं फॉर एवरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, फॉर एवरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड आप 13.17 रुपीस पे कर रहे हैं अगर आप सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आपको सेल्फ जनरेटिंग रेक चलानी है ICF कोच की, आपने आगे एक इलेक्ट्रिक लोको चला दिया, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लोको अपने ट्रैक्शन पर्पस के लिए तो जितना पावर लेगा सो लेगा, इट विल वो OHE से तो उतना पावर लेगा ही, बट आपके होटल लोड के लिए आपके अल्टरनेटर घूमने की वजह से जो उस पर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है उसका पावर भी वो टैप करेगा. तो जो ट्रैक्शन पर्पस के लिए वो पावर लेंगे उसके हर 7 रुपये पर यूनिट के लिए, 7 रुपये के लिए वो 8 रुपये पे कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है. बट SG कोच में अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे अल्टरनेटर की, उसकी एफिशिएंसी पुअर है, तो इफेक्टिवली 7 रुपए का आपको 13 रुपए देने पड़ता है इफेक्टिवली देखा जाए तो. ओके, फॉर दैट सेम पावर अगर आप एंड ऑन जनरेशन देखें तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप तो सीधे डीजल पे आ गए हैं. तो 90 रुपए मानते हुए और कुछ एफिशिएंसी फैक्टर डिवाइड करते हुए इसका फॉर्मुलेशन है, ये 26.1 रुपीज़ अगर आप देखें, अगर एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको चाहिए अपने कोच में तो आपको 26 रुपए इफेक्टिवली पे करना पड़ रहा है. सेल्फ जनरेटिंग कोच में आपको एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कोच में तो आपको 13 रुपीज पे करना पड़ रहा है.
जबकि एचओजी में अगर आपको एक यूनिट चाहिए आपके कोच में तो आपको केवल 7.70 रुपीज 7.7 आपको पे करना पड़ रहा है. तो विच वन विल यू चूज, कॉमन सेंस क्या कहता है? कि हम एचओजी के लिए जाएंगे. बट इसमें बहुत सारे हिडन कॉस्ट है, हिडन फैक्टर्स है, जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है वो सब कंसिडर करना होगा. एचओजी कंप्लायंट बनाने के लिए रेक पे जो मॉडिफिकेशन करने हैं वो कॉस्ट मैंने कहीं कंसिडर नहीं किया. ये बस ऑपरेशनल कॉस्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बिजली के कंजम्पशन कॉस्ट बता रहा हूँ. बट इफेक्टिवली इट हैज बीन रेलवे बोर्ड में हर जगह एनालिसिस किया जा चुका है और ये अब क्लियर है कि आगे चल के हमें एचओजी कंप्लायंट रेट्स ही बनाने हैं, क्योंकि इसमें पावर सेविंग तो है, इसमें रेलवे का जो बिजली का बिल है वो कंपेरेटिवली कम आ जाएगा. ओके, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको एचओजी का आई विल इंट्रोड्यूस यू ब्रीफली टू हेड ऑन जनरेशन. And then in detail, what modification needs to be done in our existing codes, those details will be spoken to you about by Mr. Krishna Sankarja in the next session, at 11:30. So HOG में क्या होता है, ये 25 kV AC है, single phase. Power हम tap किए अपने locomotive में. In the locomotive, we have a transformer which converts 25 kV single phase AC. 960 volt single phase AC. ठीक है, we have a transformer which converts 25 kV single phase AC to 960 volt single phase AC, and this 960 volt single phase AC is then supplied to a hotel load converter. This is also there inside the locomotive. This 960 volt single phase AC is converted to 3 phase AC inside the converter. 960 volt single phase को 750 volt 3 phase AC बना देते हैं. और 750 वोल्ट को फिर आप क्या करेंगे, 7450 वोल्ट 3 फेज को आप क्या कर सकते हैं, हम उसको फीडर नेटवर्क, हम उसको फीडर नेटवर्क में डाल सकते हैं, फीड कर सकते हैं. हाँ, हम हमें फीडर नेटवर्क में डीजी सेट से भी 750 3 फेज मिल रहा था और यहाँ होटल लोड कन्वर्टर ने हमें 750 दे दिया, तो हमें वही चाहिए बस. आगे तो सिस्टम सेम है मोर और लेस, ऑल्दो इतना भी सेम नहीं है. वी नीड सम आरसी फिल्टर्स एट एवरी कोच लेवल और कुछ कुछ और मॉडिफिकेशन है, थोड़ा टेक्निकल है, वो झाजी आपको बताएंगे डिटेल में अगले सेशन में. मैं आपको ऊपर से एचओजी का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. तो कोई भी आपको बोले पूछेगा कि यार ईओजी और एचओजी में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यार एंड ऑन जनरेशन में क्या है, दो पावर कार्स लगे हैं दो एंड में, एंड दोस पावर कार हैव डीजल अल्टरनेटर्स जिसमें हम डीजल सप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं 750 वोल्ट 3 फेज एसी, और वो दो फिल्टर नेटवर्क में हम देते हैं, फिर वो कोचेस में जाता है, ठीक है. बट हेड ऑन जनरेशन में क्या है कि हम होटल लोड के लिए हम लोकोमोटिव से ही पावर लेते हैं. हम पावर आता है लोकोमोटिव में 25 केवी एसी सिंगल फेज ऊपर ओएचई से, उसको ट्रांसफार्मर में हम 960 वोल्ट सिंगल फेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर होटल लोड कन्वर्टर में उसको 950 वोल्ट सिंगल फेज से 750 वोल्ट 3 फेज एसी में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट 750 वोल्ट 3 फेज इज सप्लाई टू द फीडर नेटवर्क, एज सिंपल एज दैट. थोड़ा और डिटेल में अगर जानना चाहें तो ये जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, इस ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में 25 केवी ये प्राइमरी साइड में है, दिस इज 25 केवी, और सेकेंडरी साइड में यहाँ पे इतने सारे वाइंडिंग्स हैं, 4 ट्रैक्शन वाइंडिंग है, ये चला जाएगा ट्रैक्शन पर्पस के लिए, आपके ट्रैक्शन मोटर्स के लिए. एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जो लोकोमोटिव के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के लिए काम आएगा. अब दो जो बच गए ये दो हैं, 2 अदर सेपरेट वाइंडिंग्स फॉर द होटल लोड कन्वर्टर, ठीक है, होटल लोड कन्वर्टर के लिए. इससे जो सिंगल होटल लोड कन्वर्टर के लिए हम यूज करते हैं, जो 25 केवी को 960 वोल्ट एसी में चेंज कर देगा, और यहाँ होटल लोड कन्वर्टर लगा है जो 960 वोल्ट सिंगल फेज एसी को 750 वोल्ट 3 फेज में कन्वर्ट करके हमें दे देगा फीडर जंक्शन के लिए, फीडर में देने के लिए, ठीक है. इधर से हम फीडर 1, ठीक है, इधर से फीडर 1 सप्लाई दे देंगे और इधर से फीडर 2 सप्लाई देंगे. आई थिंक इससे थोड़ा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. ये जो कन्वर्टर है इस तरीके का है, एंड दिस कन्वर्टर उसका पर्पस सिंपल है, 960 वोल्ट सिंगल फेज एसी को 750 वोल्ट 3 फेज में कन्वर्ट करना. इसके अंदर होता क्या है एग्जैक्टली मैकेनिज्म, इसके अंदर का मैकेनिज्म भाई साहब ये ऐसा होता है कि सबसे पहले रेक्टिफिकेशन का स्टेज होता है. हम 960 वोल्ट सिंगल फेज एसी को रेक्टिफाई करके हम डीसी बनाते हैं, डीसी को फिर हम एक कैपेसिटर बैंक के अक्रॉस स्टोर करते हैं जिसको डीसी लिंक कैपेसिटर बोलते हैं. उस कैपेसिटर बैंक से फिर इस डीसी को इन्वर्टर में लिया जाता है और उस डीसी को 3 फेज इन में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी को 3 फेज एसी में कन्वर्ट किया जाता है.
और इन सारे मैकेनिज्म, इन सारे कन्वर्टर्स में विच इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिवाइस विच इज बीइंग यूज्ड? कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो यूज होता है इन सारे कन्वर्टर्स? आईजीबीटी। आईजीबीटी, ठीक है, अच्छा है, आपने एक चीज तो अच्छे से समझ लिया इस कोर्स में कि आईजीबीटी कोई चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रेक्टिफायर हो, इन्वर्टर हो, हर कन्वर्टर में आजकल हम आईजीबीटी लगा रहे हैं क्योंकि आईजीबीटी इज द फ्यूचर, मतलब अभी तक तो यही है। डायोड वायोड अब पुराना टेक्नोलॉजी हो चुका है, उसका नाम भी लेने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जो कंट्रोल होता है ना आपका, ये कंट्रोलर जो है इस लेवल पे, यहाँ रेक्टिफायर लेवल पे, इन्वर्टर लेवल पे कंट्रोल करके, मॉनिटर कंट्रोल करके फाइनली आपको 750 वोल्ट थ्री फेज एसी देता है। ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, मतलब आप 900, एक तो सबसे पहले 25 के भी कॉन्स्टेंट नहीं आता, दूसरा ये 25 के स्टेप डाउन होकर 960 वोल्ट भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता, ठीक है, बट हमें ये 750 वोल्ट तो लगभग कॉन्स्टेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? वी नीड ना, because our MMR is there, वहाँ पे MMR जो है, वो MMR को अगर 750 नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे कोच में पावर लेने ही नहीं देगा, तो हमें तो फेज यहाँ पे चाहिए लगभग प्रॉपर सीक्वेंस में, और फेज इम्बेलेंस भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंट्रोलर भी है जो ये हमेशा इंश्योर करता है कि भैया हमेशा ये 750 जाना चाहिए, वरना वहाँ पीछे कोच में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, इसमें बस मैंने आपको ये डायग्राम इसलिए डाला है ये दिखाने के लिए कि जो हमारे जो कन्वर्टर है, ये जो कन्वर्ट होटल लोड कन्वर्टर है, ये जो थ्री फेज बना रहा है, इसके पैरेलल में हमने ये आरसी फिल्टर दे रखा है। वी हैव प्रोवाइडेड दिस आरसी फिल्टर्स हियर, व्हाई इज दिस आरसी फिल्टर प्रोवाइडेड, कैन एनीवन टेल मी? रेजिस्टर कैपेसिटर फिल्टर, आरसी फिल्टर क्यों दिया गया है थ्री फेज नेटवर्क के अक्रॉस? ये आर और सी पैरेलल में एक रेजिस्टर और कैपेसिटर सॉरी सीरीज में लगा दिए, क्यों लगा दिए? एनीवन? इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से काफी लोग हैं सर, टू ऑब्टेन प्योर एसी, आई थिंक टू ऑब्टेन प्योर एसी, वो तो बात सही है, वो तो आप सही कह रहे हैं, बट एक टर्म मैं सुनना चाह रहा हूँ। डीसी फिल्टर, फिल्टर नहीं, फिल्टर आरसी तो एक फिल्टर है ही, बट देखिए आपने सुना है हार्मोनिक्स का नाम सुना है क्या? Have you heard about हार्मोनिक्स? थोड़ा माउस से लिखने में दिक्कत होगा मुझे, बट मैं लिख नहीं पाऊंगा, छोड़िए। हार्मोनिक्स होते हैं, आप जब एसी सप्लाई देते हैं ना, ठीक है, एसी सप्लाई में हार्मोनिक्स हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स में क्या होता है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी पे इंटेंड कर रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे हम इसको सेंड करेंगे, और उससे मैच करता हुआ वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट मेंटेन अगर नहीं हुआ, थोड़ा इस टाइप का एक चला गया, या वेव फॉर्म अगर इस टाइप का हो गया, तो इस टाइप के हार्मोनिक्स जो है ये अच्छे नहीं है, दीज हार्मोनिक्स आर नॉट गुड फॉर आवर एसी सप्लाई, ठीक है। हार्मोनिक्स के अगर आप डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे, अगेन इट इज अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टोटली, और उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट चाहिए आपको बताने के लिए कि हार्मोनिक्स जो है ये अच्छे नहीं होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, और ये नॉन लीनियर फिनोमेना है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर अस। तो ये हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए हम आरसी फिल्टर यूज करते हैं, एज सिंपल एज दैट। कोई आपसे पूछे यार ये आरसी फिल्टर लोको में भी लगा हुआ है, कोच में क्यों लगा हुआ है, एक्स्ट्रा आरसी फिल्टर क्यों दिया है, तो बोलना है साहब ये हार्मोनिक्स एसी सप्लाई में हार्मोनिक को रिमूव करने के लिए दिया गया, बस हम इतना ही जानते हैं। हार्मोनिक मतलब हार्मोनिक अच्छी चीज नहीं है साहब, ये एसी सप्लाई अगर हार्मोनिक्स के साथ आएगा हमारी इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो प्योर एसी, सर एक क्वेश्चन माइंड में वो हो रहा है सर कि जैसे कि मान लीजिए हमने 25 केवी एसी सप्लाई हमने एड ऑन से ली सर, हम तो उसके बाद सर हमने उसको 960 वोल्ट पे भी वो एसी है, फिर हमने उसको 750 पे करने के लिए डीसी पे कन्वर्ट करा, उसके बाद दोबारा सर हमने एसी किया। जी जी, हम लोग सर डायरेक्ट एसी सर कर लेते तो भी हमको 750 वोल्ट मिल जाती। अच्छा नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है आपका, बिल्कुल ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और मैं चाहता था कि कोई ये सवाल मुझसे पूछे, क्योंकि इस सवाल इसका जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये सवाल मुझे भी बहुत बार आया जब मैं इस टॉपिक पे पढ़ा,
तो बट इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, देखिए यहाँ पे 25 kV है या 960 वोल्ट एसी है, तो मैं मतलब हम इतने मूर्ख क्यों हैं कि बीच में रेक्टिफायर डाल के भाई ये सब क्या जरूरत है, सीधे कन्वर्टर लगाते हैं तुम सीधे, क्या हम सिंगल फेज को थ्री फेज सीधे नहीं बना सकते थे क्या, कर सकते थे। देखिए बात ये है ना, आई थिंक दिव्या मोहन आज द क्वेश्चन, बात ये है कि मैंने बोला कि यहाँ एक कंट्रोलर है, यहाँ पे कंट्रोलर है और हमें यहाँ पे काफी कंट्रोल, हमें कंट्रोल चाहिए कि फाइनली हमारा आउटपुट हमें 750 वोल्ट रेगुलेटेड 750 वोल्ट हमें थ्री फेज चाहिए, ठीक है। आप अगर सीधे कन्वर्टर से 960 वोल्ट इधर से इनपुट करेंगे और डायरेक्ट उसको 750 उधर से आउटपुट करेंगे तो आपका 750 वोल्ट कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ये 25 केवी बस मैंने कागज पे लिख दिया है, 25 केवी कभी आता नहीं है, ये 20 केवी से लेकर 27 केवी तक रेगुलरली हर सेकेंड फ्लक्चुएट करता है। ये 960 वोल्ट ये कागज पे है आता नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली ये फ्लक्चुएट कर सकता है 1000 से लेके 900 से कम भी जा सकता है। तो सिमिलरली आपको जब 750 बनेगा, अगर आप डायरेक्ट वाला जो मेथड कर रहे हैं तो ये 750 नहीं रहता, तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता और वहां पे जब MMR आपका वहां डिटेक्ट करता कोच में, बोलता भैया ये दिस पावर इज नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन, आई विल नॉट टेक, और आपका कोच में बिजली नहीं जाता। इसीलिए हमने क्या किया, हमने किया चतुराई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने, हमने क्या किया, हमने डाला पहले रेक्टिफायर, पहले इसको तो रेक्टिफाई करो, इसको डीसी बनाओ। ये जो डीसी बना इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, आई एग्री ये डीसी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये भी पल्सेटिंग है मतलब फ्लक्चुएटिंग है। यहाँ जो मैंने जो मेन जो गेम चेंजर है ना वो ये है दिव्या जी, ये कैपेसिटर, कहीं भी आपको ट्रैक्शन सर्किट में या इधर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये डीसी लिंक इसीलिए दिया जाता है, ये गेम चेंजर है। ये कैपेसिटर का क्या रोल होता है आपने पढ़ा है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। Q is equal to CV, I hope मैं फॉर्मूला भूलने गया हूँ, Q is equal to CV, ये उसका फॉर्मुलेशन रहता है, it stores charge, okay, C is the capacitance, V is the potential difference across it, okay, now we use this capacitor to store the charge here, and inverter को जो यहाँ पे हम DC दे रहे हैं, we are giving a constant DC, वो कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है भाई साहब, ये कैपेसिटर में एक तरीके से आपका बैटरी बैंक हो गया, यहाँ पे उस कैपेसिटर का इनपुट है आपका फ्लक्चुएटिंग, इट इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, बट कैपेसिटर में एक बार अगर चार्ज स्टोर हो गया है तो दूसरे साइड में अगर आपने उसको सही से कंट्रोल किया हुआ है तो हमेशा कॉन्स्टेंट आउटपुट देगा, क्योंकि उसके पास तो रिजर्व है ना, कैपेसिटर को अगर बैंक की तरह समझिए, उसमें पैसे हमेशा हैं, पीछे से पैसे आए ना आए वो सामने आपको पैसा देता रहेगा रेगुलरली, ठीक है, इट विल गिव यू, जो कमिटमेंट है वो हमेशा कैपेसिटर निभाएगा, और यही इंपॉर्टेंट, यही गेम चेंजर है यहाँ पे। ये कैपेसिटर जब यहाँ पे कांस्टेंट डीसी दे देता है, इस कांस्टेंट डीसी को इन्वर्टर फिर कांस्टेंट थ्री फेज एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब कांस्टेंट तो कोई भी चीज नहीं रह सकती, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं बट इधर के फ्लक्चुएशन से काफी कम होते हैं। सेकेंड चीज भाई साहब ये है, आप मुझे ये बताइए, अगर आपका ये किसी भी वजह से ये पैंटो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, अगर आपका पेंटो डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, पावर बंद मतलब 960 वोल्ट बंद मतलब रेक्टिफायर में पावर बंद, उसके तो सब बंद पड़ गया। अगर आपने डायरेक्ट कन्वर्टर लगाया होता तो अंधकार, तुरंत अंधकार हो जाता आपके सारे कोच में, लेकिन आपने बैकअप दिया है, आपने क्या दिया है, कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर में लिमिटेड है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको कई घंटों तक पावर दे देगा, लेकिन टेम्परेरीली ये आपको पावर देगा, यहाँ पे स्टोरेज है, ये इन्वर्टर के थ्रू स्टिल पावर देता रहेगा, इट विल स्टिल कीप कंटिन्यूइंग सप्लाइंग पावर टू द फीडर नेटवर्क, ऑल्दो इट विल ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सडन फ्लक्चुएशन नहीं होगा, न्यूट्रल सेक्शन आएगा तो क्या करेंगे, है ना, तो ये सारी चीजों की वजह से हमने ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों इतना करामात हमने किया कि डीसी किया फिर एसी किया, इसलिए, ठीक है, और आप ओवर इट हमने आरसी फिल्टर लगा दिया सो दैट हार्मोनिक्स भी उससे आइसोलेट हो जाए, ठीक है, और उसका लेआउट इस तरीके से है, बस कपलर है, आई थिंक दिस यू कैन स्टडी। और इसमें हाँ एक चीज बताना भूल गया कि इसमें एक हमने कम्प्लीटली हमने पावर का नहीं एलिमिनेट किया है, एक पावर का रहता है, ओके, हमें क्या है कि हमें डर बहुत लगता है
कि और हमें हमारी रिलायबिलिटी ऐसा जितनी अच्छी है नहीं, तो हम लोग कोशिश करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एचओजी फेल हो जाए। अच्छा, मैंने इतनी बड़ी बातें बोली, मान लीजिए आपका कैपेसिटर ही फेल हो जाए, आपका इन्वर्टर ही फेल हो जाए, तब क्या करिएगा दिव्या जी, तब क्या करेंगे? बिल्कुल सर, तब उसके लिए हमें ईओजी हमने स्टैंड बाय में रखा है। हाँ, तो पैसेंजर तो बाहर निकल के पथराव स्टार्ट कर देंगे, तो तब आप कैसे चेक, कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? ठीक है, तो उस केस में ड्राइवर और गार्ड की लिंचिंग ना हो जाए, रेलवे स्टाफ की लिंचिंग ना हो जाए, इसीलिए हमने एक पावर कार दे दिया है कि भैया आपका एचओजी फेल भी हो जाता है, कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाइए, हम डीजल जनरेटर, डीजल ऑल्टरनेटर चलाने जा रहे हैं। डीजल ऑल्टरनेटर चला दिया, पावर चुपचाप से फीडर नेटवर्क से इस तरीके से सीधे चला जाएगा फीडर नेटवर्क में। और जब डीजल नहीं चल रहा है तो हमारा यहाँ होटल लोड कन्वर्टर से तो आ ही रहा है, तो इस तरीके का कन्वर्शन दे रखा है। तो हमने इधर भी रिडंडेंसी ले चले हैं, हमने ओवरऑल पावर कार एक कम कर दिया। इनफैक्ट मैं तो सुन रहा हूँ कि कौन सा वो राजधानी है जिसमें अभी भी दो पावर कार भी यूज हो रहा है। इवन विद एचओजी वी आर यूजिंग टू पावर कार्स, बट इन प्लान एक्चुअल है कि एक पावर कार यूज करना है। ठीक है, तो ठीक है, एचओजी में हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे ये अभी नेसेंट स्टेज में है, इट विल मैच्योर, नंबर ऑफ फेलियर्स विल रिड्यूस एंड इट विल बी अ प्रूवन, इट विल बी अ फिक्स्ड टेक्नोलॉजी, वो हो जाएगा। जैसे RMPU था स्टार्टिंग में भी बहुत डर रहे थे, बट नाउ इट इज अ वेरी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी, हमने कल ही डिस्कस किया था, वैसे ये भी एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी होने की उम्मीद है। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछो। सर यू आर फैंटास्टिक। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, सॉरी, पीडीएफ शेयर कर देना सर इसकी। हाँ, नहीं, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, आई विल शेयर पीडीएफ, दैट विल दैट आई विल डू। देखिए एक चीज, सॉरी मैं बताना भूल गया, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं, सो आई विल जस्ट शो यू फ्यू अदर थिंग्स जो मैं स्टार्टिंग पहले दिन पे आपको नहीं दिखा पाया था। आपका जो कोर्स मटेरियल है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल तो दे रहा हूँ, बट हमारा एक कोर्स पेज है जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस दैट थ्रू आवर कोर्स पेज, मैं उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, तो आपको मैं दूसरी चीज दिखा देता हूँ। अच्छा, कई बार आप लोगों ने फेस किया होगा कि कभी कभी आपको काफी सारे कुछ कोर्स के मटेरियल चाहिए होते हैं, बट आपको मिल नहीं पाते होंगे, ऐसा आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, ऐसा होगा आपके साथ। तो हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया है, विच इज करेंटली बीइंग मेंटेन्ड बाय इर्मी, द वेबसाइट्स नेम इज रोलिंग स्टॉक नॉलेज रिसोर्स, उसका यूआरएल है rskr.irmi.in। आई एम गोइंग टू राइट इट इन द व्हाट्सएप, राइट इट ऑन द व्हाट्सएप पेज, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी। ओके, rskr.irmi.in, प्लीज इस वेबसाइट पे आप लोग जाएं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट का उपयोग करें। इसमें देखिए हमने कंटेंट डाल रखे हैं, हमने मैकेनिकल रोलिंग स्टॉक रिलेटेड काफी सारे इसमें कंटेंट डाल रखे हैं। इसमें आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाइज भी कंटेंट देख सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आप क्लिक किए, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो इसमें जैसे इर्मी हो गया और एसटीसी हो गए, तो इनके आपको अगर एसटीसी वाइज मटेरियल देखना है तो एसटीसी, किस एसटीसी ने क्या मटेरियल शेयर किया है इर्मी के साथ, वो मटेरियल आपको दिखेंगे, पीडीएफ पर क्लिक करेंगे आपको मटेरियल मिल जाएगा। आपको इर्मी का मटेरियल देखना है तो इर्मी में हम जितने भी क्लासेस लेते हैं उस सारे पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आखिरी पेज तक जाएं तो इर्मी ने टोटल 175 लेक्चर्स की पीडीएफ डाल रखे हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाइज कंटेंट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इधर लेफ्ट साइड में रोलिंग स्टॉक सेक्शन में आ जाएं। आपको कोचिंग रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो वो फिल्टर हमने लगा रखा है, आपने कोचिंग पे क्रिएट किया, क्लिक किया तो आपको सिर्फ कोचिंग रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, आप बैक जाएंगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए लोकोमोटिव रिलेटेड चाहिए, डीजल रिलेटेड, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको डीजल रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने दिया है, अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो ये सर्च बटन दिया है, इस सर्च में आप कुछ भी लिखिए, फॉर एग्जाम्पल लिखिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट BPC, आप BPC करके सर्च करिए और थोड़ी देर में ये वेबसाइट जो है आपको BPC से रिलेटेड इस वेबसाइट पे जो भी डेटा होगा, देयर इज सम प्रॉब्लम BPC रिलेटेड, हाँ ये रहा,
तो आपको बीपीसी रिलेटेड जितना भी कंटेंट है इस वेबसाइट पे आपको अपने आप आपके सर्च फिल्टर में आ जाएगा, इट इज लाइक अ गूगल सर्च ओनली, और आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ पढ़ पढ़ के आप बोर हो चुके हैं, आपको वीडियो देखना है तो वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। और इर्मी ने कुछ वीडियोस बनाए हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 4 years, कुछ ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोस हैं, छोटे मोटे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। स्पेशली ट्रैक रिलेटेड पैरामीटर्स को मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले हम लोग कमजोर होते हैं, तो इससे रिलेटेड हम वर्साइन मेजरमेंट, ट्रैक गेज मेजरमेंट, लैटरल एंड वर्टिकल वेयर ऑफ टंग, ये सारे वीडियोस इसमें प्रोवाइडेड हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस। आपको अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, जैसे अभी ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है और अगले आई थिंक परसों तक ये इस इधर भी आ जाएगा, तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं और कुछ कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं आप। अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी इसमें लिमिटेड कंटेंट हमने डाला हुआ है। और अगर आपको वेबिनार्स, इनमें बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स पे वेबिनार्स करता है जो नॉर्मल कोर्सेस में कवर नहीं होते, इंडस्ट्री 4.0, RFID, मशीन विजन बेस्ड इंस्ट्रक्शन सिस्टम, स्मार्ट यार्ड या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इनके बारे में आपको वेबिनार्स मिल जाएंगे। आप जब भी समय निकालें, कभी आपको जस्ट ऐसे ही नॉलेज बढ़ाना है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवे, आप इस पेज पे आ सकते हैं। ओके, तो दीज ऑप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड। और अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप डिस्कशन बोर्ड में जा सकते हैं, और डिस्कशन बोर्ड में एक फोरम का ऑप्शन है, उस फोरम ऑप्शन में आप अपना कोई भी डाउट, आप कभी भी आपको आए, आप अभी तो कोर्स करके जा रहे हैं बट कोर्स के बाद कभी भी आपको कोई डाउट आया, कहीं से भी कोई सलूशन नहीं मिल रहा है, आप इर्मी के फोरम में आके यहाँ पे ऐड टॉपिक पे क्लिक करके अपना डाउट डाल सकते हैं। जब आप ऐड टॉपिक पे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन करने को बोलेगा, आपका लॉगिन पासवर्ड इज सेम एज द वन विच यू हैव क्रिएटेड ऑन irmi.in, वही लॉगिन पासवर्ड है, उसको आप डालिए और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हमारी इर्मी की फैकल्टी और हम बाहर भी हमारे जो रिसोर्स पर्सन है जोनल रेलवेज में, हम उनको ये क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे और आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? क्या ये आपको वेबसाइट, इज दिस क्लियर? ओके, सो और इधर हमने कोर्स एंड मैनुअल्स का भी हमने प्रोविजन दिया है, और इसमें और भी काफी सारे फीचर्स हम लोग स्लोली हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे इस वेबसाइट पे, ताकि आपको इसमें आगे चल के RDSO की ड्राइंग्स भी उपलब्ध हो जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स रेलवे बोर्ड और RDSO की कोचिंग या फ्रेट रिलेटेड वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। हम उस 1 से 2 महीने में उसको भी अपडेट कर देंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एनी फर्दर क्वेश्चन? Okay, if there are no further questions, then we can close this session, and we'll resume next session from 11:30. Okay, have a good day.